आपकी बस लाइन में मैडम। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप लोग सब सही हैं। कल हम लोगों की क्लास में हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी वर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर है। इन केस ऑफ एनी डाउट तो आप लोग उसको अपने क्वेश्चन आंसर वाले जो प्लेस है वहाँ पे आप अपने क्वेरीज डाल दीजिएगा। ओके, कंटिन्यूइंग विद द सेम कॉन्सेप्ट, जब हम लोग सी वी पी एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें एक लास्ट पॉइंट हमारा कल डिस्कशन में रह गया था, विच इज़ बेसिकली द की फैक्टर। की फैक्टर में क्या होता है कि जितने हमारे वेरिएबल्स हैं, जितने हमारे जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं कहीं ना कहीं। किसी का इम्पैक्ट कम है, किसी का इम्पैक्ट ज़्यादा है, कोई कंट्रोलिंग फैक्टर हो जाता है, उसको हम की फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन में आपको दो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अब कंपनी डिसाइड करना चाहती है कि कौन सा प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर करे। तो जो हमारी सी वी पी एनालिसिस है, ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये सारे के सारे कैलकुलेशंस हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करती हैं, हमें हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अब यहाँ पे जो सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं जो आप मैनुफैक्चर कर सकते हो, उनके लिए आपको डिटेल दी हुई है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपके जो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट आप इनकर करोगे वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, एंड यू हैव टू टेल, यू हैव टू स्टेट के विच प्रोडक्ट शुड बी मैनुफैक्चर्ड। अब विच प्रोडक्ट शुड बी मैनुफैक्चर्ड में कंडीशन है लिमिटिंग फैक्टर वाली, की फैक्टर वाली, कि मेरे लिए अगर मैं एक केस ले रही हूँ कि जहाँ पर मेरे लिए जो मेन फैक्टर है वो मेरे लिए लेबर टाइम है, मेरा जो फोकस है वो लेबर टाइम पे बहुत ज़्यादा है। नो डाउट कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट की फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, विच इज़ द लिमिटिंग फैक्टर, कि उसमें एक लिमिटेशंस है मेरे लिए। तो एक केस आपका पहला दिया हुआ है जहाँ लेबर टाइम विल बी द की फैक्टर, और दूसरा सिचुएशन है जहाँ सेल्स वैल्यू, सेलिंग यूनिट्स जो मेरे लिए हैं, सेलिंग प्राइस जो है वो मेरे लिए की फैक्टर है। नाउ हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज कि आपको पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ही हम पर यूनिट के हिसाब से जो भी हमारा लिमिटिंग फैक्टर होगा उसके प्रोपोर्शन में, उसके हिसाब से कंपैरिजन में हम ये देखेंगे कि हमें एक्चुअली कितना फ़ायदा किस प्रोडक्ट से होगा। तो फर्स्ट हाफ विल बी द सेम जो हम लोगों ने किया था कल वाले लेक्चर में, सेल्स माइनस ऑल द टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी के लिए विल स्टार्ट विद द सेलिंग प्राइस विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज 100 फॉर प्रोडक्ट ए एंड 110 फॉर प्रोडक्ट बी। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए के लिए 100 रुपये और 110 रुपये बी के लिए था, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट अगर डिडक्ट कर दें तो हमको कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल हमें ए का दिया हुआ था 24 रुपये का, ये हमने चार्ज करके दिखाया, 14 रुपये बी के लिए दिया हुआ था। डायरेक्ट लेबर हमें दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर इज जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 रुपये हर घंटे के हिसाब से है, और टोटल प्रोडक्ट ए के लिए जो हम लगा रहे हैं, जो हमें जो पेमेंट करनी पड़ेगी प्रोडक्ट ए की एक यूनिट के लिए, हम 6 रुपये देंगे लेबर को, और प्रोडक्ट बी की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डायरेक्ट लेबर को जो हम पैसे देंगे वो 9 रुपये देंगे। तो डायरेक्ट लेबर फॉर 6 रुपीज़ फॉर प्रोडक्ट ए विल बी चार्ज, एंड फॉर प्रोडक्ट बी इट इज़ 9 रुपीज़ विच हैज़ टू बी शोन। फिर हमें वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं 4 रुपये पर घंटे के हिसाब से, और टोटल प्रोडक्ट ए के लिए हम 8 रुपये बेयर करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स के टर्म के लिए जो हमारे खर्चे हैं, और प्रोडक्ट बी के लिए वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल में है 12 रुपये, यानी 3 घंटे के हिसाब से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो वेरिएबल ओवरहेड्स हमने चार्ज करे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो देखेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ए के लिए अगर मैं देखूँ तो 24 रुपये डायरेक्ट मटेरियल के, 6 रुपये डायरेक्ट लेबर के, वेरिएबल ओवरहेड्स 8 रुपये, तो टोटल कम्स आउट टू बी 38 रुपीज़। सेलिंग प्राइस मेरा कितना था 100 रुपये, 38 रुपीज़ का टोटल मेरे वेरिएबल कॉस्ट आई प्रोडक्ट ए के लिए, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो आएगा प्रोडक्ट ए दैट कम्स आउट टू बी 62 रुपीज़। इसी तरह हम प्रोडक्ट बी के लिए
कैलकुलेशंस करेंगे प्रोडक्ट बी की, जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हम लोगों को सेलिंग प्राइस 110 रुपीज़, डायरेक्ट मटेरियल 14 रुपये है, डायरेक्ट लेबर 9 रुपये है, वेरिएबल ओवरहेड्स 12 रुपये है, ये माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट बी विल बी 75 रुपीज़। यहाँ तक के हिसाब से अगर हमें ये डिसाइड करना हो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन वी विल बी गेटिंग फ्रॉम दीज टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए से मुझे जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है हर यूनिट पे, जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा वो मुझे मिल रहा है 62 रुपये का, अब प्रोडक्ट बी से मिल रहा है 75 रुपये का। अब क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि कंट्रीब्यूशन के टर्म्स के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है, तो एज फार एज द ओनली द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज कंसर्न, तो यहाँ पर जो मेरा डिसीजन होगा वो प्रोडक्ट बी होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बी में जो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा कैलकुलेट करके आ रहा है दैट इज 75 विच इज़ मोर देन 62 विच इज देयर इन द केस ऑफ प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट बी डिसाइड होना चाहिए उस हिसाब से। अब यहाँ पर आपको जो सिचुएशंस दी हुई थी क्वेश्चन में, वहाँ दो क्राइटेरिया, दो केसेस दिए हुए थे, पहला जहाँ लेबर टाइम मेरा की फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है। अब यहाँ हमें करना क्या होता है कि जो लेबर टाइम मेरा की फैक्टर है, तो लेबर टाइम, अब लेबर टाइम में के लिए आपको कितना टाइम दे रखा था क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ए के लिए एक यूनिट 2 घंटे में बन रही है और प्रोडक्ट बी की 3 घंटे में बन रही है, दिस इज द लेबर टाइम बेसिकली विच हैज़ बीन यूज फॉर दीज टू प्रोडक्ट्स, ये मेरे लिए लिमिटिंग फैक्टर है, की फैक्टर है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, अभी कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा कैसे कैलकुलेशन किया, इट इज़ बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, एक यूनिट मुझे कितनी दे रही है। अब मैं क्या कैलकुलेट करने वाली हूँ, क्योंकि लेबर टाइम मेरे लिए की फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है, तो मैं कंट्रीब्यूशन को लेबर टाइम के हिसाब से देखूंगी। तो लेबर टाइम कैसे होता है, आवर्स के हिसाब से, तो इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आई विल कन्वर्ट दिस इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर आवर। अब पर आर के हिसाब से मैं कैसे करूँगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 62 था ए के केस में, प्रोडक्ट ए के लिए, और प्रोडक्ट ए की एक यूनिट मैं कितने टाइम में बना रही हूँ, 2 घंटे में, तो पर आर के हिसाब से अब मुझे जो 62 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो 2 घंटे के हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि वो पर यूनिट था, और एक यूनिट बनाने में कितने टाइम लग रहा है, 2 घंटे, यानी 62 रुपीज़ में 2 घंटे के काम के हिसाब से मुझे मिल रहा है। पर आर के हिसाब से कितना हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आवर्स कंज्यूम्ड टू मैनुफैक्चर प्रोडक्ट ए, यानी 2 आवर्स, तो 62 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो वो मुझे मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर आवर विच इज़ 31 इन केस ऑफ प्रोडक्ट ए। सिमिलरली प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट बी की मेरे 3 घंटे लग रहे हैं और उससे मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ रहा है मेरा, 75 रुपये, वो था एक यूनिट का, एक यूनिट में बना रही हूँ 3 घंटे में, तो पर आर के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशंस करूँगी तो कितना आएगा, 75 रुपीज़ विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आवर्स विच इज़ 3, तो 75 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स यू 25 एज द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर आर फॉर प्रोडक्ट बी। अब आपको इनमें कंपेरिजन करना है, प्रोडक्ट ए का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर आवर था 31 रुपीज़ और प्रोडक्ट बी के लिए था 25 रुपीज़, इसका मतलब अगर मेरे लिए लेबर टाइम अगर की फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है, जो मेजर एक फैक्टर है, उसके इस सेम क्वेश्चन में अगर पर आर कंट्रीब्यूशन मैं निकाल रही हूँ, तो प्रोडक्ट ए शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि उसमें जो कंट्रीब्यूशन पर आर मुझे मिल रहा है वो ज़्यादा है, 31 है एज कम्पेयर टू 25 विच इज़ इन द केस ऑफ प्रोडक्ट बी। अब आप यहाँ देखो, आपके दोनों डिसीजंस, दोनों सिचुएशंस में डिसीजंस में चेंजेस आ गए। मैं अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अगर के हिसाब से डिसाइड करूँगी तो प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर करती, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मेरा ज़्यादा था। लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर आर जहाँ लेबर टाइम मेरा की फैक्टर है, जो मेजर एक फैक्टर था मेरा, लिमिटिंग फैक्टर अगर लेबर टाइम है, तो उस सिचुएशन में मेरा आंसर अलग हो जाता है, तब बी की बजाय ए ज़्यादा मुझे कंट्रीब्यूशन मुझे पर आर के हिसाब से दे रहा है, तो ए प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड बिकॉज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर आर इज़ मोर इन प्रोडक्ट ए एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट बी। अब दूसरा इसमें जो सिनेरियो था, दूसरा जो केस था, उसमें था कि सेल्स वैल्यू जो है वो की फैक्टर है, अब मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट्स के हिसाब से निकालनी है, पर रुपी के हिसाब से, पर यूनिट्स के हिसाब से। अब सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ए का था 100 रुपये, प्रोडक्ट बी का था 110 रुपये, तो 1 रुपये पे मैं कितने पैसे
अगर मैं 1 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस है तो मुझे कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो इट इज़ बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी एज वेन द कॉन्ट्रीब्यूशन विद द कंटेक्स्ट ऑफ सेलिंग प्राइसेस डन। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना था, 62 रुपीज़ ए का, 75 बी का, उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो 62/100 और 75/110, 110 था सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट बी के लिए। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी जो आपके लिए कैलकुलेट कर कर आएगा वो 62 पैसा आएगा प्रोडक्ट बी का और 68 पैसा आएगा प्रोडक्ट ए का, 62 पैसा और प्रोडक्ट बी के लिए 68 पैसा। इसका मतलब हर सेल 1 रुपये की सेल्स पर आपको 62 पैसे का फ़ायदा हो रहा है ए में और बी में 68 पैसे का हो रहा है। तो ये आपके लिए कंट्रीब्यूशन कहाँ ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट बी के लिए। तो वेन वी टेक द सेल्स वैल्यू एज द लिमिटिंग फैक्टर देन द कॉन्ट्रीब्यूशन यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज टू प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट बी इज़ मोर एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। तो हमने तीन सिचुएशंस देखे जहाँ एक में हम कंपेरिजन कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो प्रोडक्ट बी का डिसाइड होता क्योंकि उसमें ज़्यादा था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर हम देखते हैं, लेबर टाइम अगर की फैक्टर है तो प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करना चाहिए, प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर करना चाहिए अगर हम सेल्स वैल्यू को लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर मानते हैं। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस होंगे जो आपको की फैक्टर के बेसिस पर सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा कि अगर की फैक्टर कोई भी है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपको निकाल के जो भी लिमिटिंग फैक्टर है उसके हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करके यू हैव टू डिसाइड वेदर विच प्रोडक्ट बेसिकली शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। बेटा अभी पीछे से शायद आप लोगों को भी किसी ने लिखा भी है मैसेज में कि पीछे से थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा तीन प्लॉट्स पे काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी शायद नॉइस आप लोगों को आ रही है, तो जस्ट आज के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, यू हैव टू बेयर इट। क्योंकि मैं कहीं पे भी अगर मैं बैठी हुई हूँ तो वो सब जगह काम होने की वजह से सभी जगह ही वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। ओके प्रियंका, एक्चुअली 62 का जो है 62/100 के हिसाब से बेसिकली क्या था कि वो जो आपका कंट्रीब्यूशन है इट्स बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने 1 रुपये की सेल्स की है तो उस पर मुझे जो कंट्रीब्यूशन मेरा का जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला जिसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं वो मुझे कितना मिल रहा है ऑन 1 रुपी ऑफ सेल्स। तो 62/100 इज 0.62। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज यू हैव द कंपनी विच इज सेलिंग 10,000 यूनिट्स। आई विल जस्ट चेक द क्वेश्चन। ओके यू हैव वन कंपनी विच इज सेलिंग 10,000 यूनिट्स लास्ट ईयर एट अ प्राइस ऑफ 500 ईच। द कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूनिट इज गिवन टू यू वेयर यू हैव बिन गिवन द कॉस्ट ऑफ मटीरियल 100 रुपीज़, लेबर के 50 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड्स के 25 रुपये। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 175 रुपीज़ की, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं 200 रुपीज़ के, तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आई है वो आती है 375 रुपीज़ की। एक सेकेंड, दो हैंग कर गए, मैं वापस से ओपन करके आपको शेयर कर रही हूँ।
ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन टू यू. टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं. आगे क्वेश्चन आपसे ये कहता है, ड्यू टू कॉम्पिटिशन द प्राइस हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू 425 रुपीज़. अभी देखो, आपको पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि कंपनी ने लास्ट ईयर जो सेल्स की थी उसमें 10,000 यूनिट्स कंपनी ने बेचे थे, 500 रुपये का सेलिंग प्राइस था. मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि कंपनी को उसके प्राइसेस कम करने पड़े. 75 रुपये कम करके 425 रुपये का सेलिंग प्राइस उन्होंने फिक्स किया. अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड टू इंश्योर दैट द सेम अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट एज द लास्ट ईयर. इसका मतलब क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी हुई है लास्ट ईयर वाली, जब हम 10,000 यूनिट्स को बेच रहे थे 500 रुपये पर. वेरिएबल कॉस्ट हमें पता थी, फिक्स कॉस्ट मालूम थी, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. इसके बाद हमें अब ये कैलकुलेशंस करनी है कि इस साल मैंने 500 रुपये की बजाय सेलिंग प्राइस कर दिया 425 रुपये, तो सेल्स मेरी कम हो जाएंगी सेलिंग प्राइस के चक्कर में. प्रॉफिट मैं उतना ही चाहती हूँ, तो प्रॉफिट सेम रखने के लिए अब मुझे कितनी यूनिट्स को बेचना चाहिए, कितनी यूनिट्स मैं बेचूंगी कि मुझे लास्ट ईयर वाला ही अमाउंट प्रॉफिट का मिले. आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है. अब स्टेटमेंट हमें पहले बनानी है लास्ट ईयर वाली. लास्ट ईयर मैंने 10,000 यूनिट्स को बेचा था, सेलिंग प्राइस मेरी 500 थी. इसका मतलब जो सेल्स का अमाउंट आएगा दैट विल बी, टोटल सेल्स विल बी 10,000 × 500 रुपीज, तो टोटल सेल्स आपके लिए आ जाएगा अमाउंट 50 लाख का. उसके बाद मटेरियल हमें दिया हुआ था, लेबर दी हुई थी, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए थे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मुझे दी हुई थी 175 रुपये. अगर अब आप सॉल्यूशन में अगर आप चाहते हो कि आपको अलग अलग दिखाने अमाउंट, मटेरियल का 100 रुपये के हिसाब से इंटू 10,000, लेबर का 10,000 × 50, वेरिएबल ओवरहेड्स का 10,000 × 25, आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो. अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे टोटल करके दिखा रखा है और उसमें आपको टोटल 10,000 यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है, तो आपको टोटल में सिर्फ इकट्ठा अमाउंट आप वेरिएबल कॉस्ट का दिखा सकते हो सोल्यूशन में, जैसे मैंने किया हुआ है. तो इट विल बी 175 रुपीज़ पर यूनिट था, तो 175 × 10,000 रुपीज़, तो 1,75,000 का आपका ये वाला 17 आपका अमाउंट आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का, 10,000 × 175 रुपीज़ का, तो ये आ जाएगा 17,50,000 का. कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, तो टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करूंगी, तो 32,50,000 रुपीज़ का आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया, टू विच वी विल चार्ज फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो फिक्स्ड ओवरहेड्स 200 रुपीज़ पर यूनिट थे, तो 200 × 10,000, 20 लाख रुपीज़, तो प्रॉफिट की मेरे पास फिगर आ गई 12,50,000 रुपीज़ की. दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आई अर्न्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर. नाउ इन द करंट सिचुएशन व्हेन द सेलिंग प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 425, इवन देन आई वॉन्ट्स टू अर्न 1,25,000 रुपीज़ एज द प्रॉफिट. यही मैं कमाना चाह रही थी, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो मेरा था वो मेरा सेम मैं प्रॉफिट अर्न करना चाहती थी. तो मुझे ये देखना है कि हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड इन द मार्केट. अब सेलिंग प्राइस मेरे लिए करंट सिचुएशन में क्या था, 425 रुपये. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि वो सेम रहेगी तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो मेरा सेम रहेगा 175. नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से चेंजेस आ जाएंगे, तो टोटल में चेंजेस आएंगे लेकिन पर यूनिट आपका सेम रहेगा. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 425 इन द करंट सिचुएशन, आउट ऑफ विच इफ आई जस्ट डिडक्ट 175 रुपीज एज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आई गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एज 250 रुपीज पर यूनिट. अब मैं अगर पहले वाली सिचुएशन में देखती, तो पहले वाली सिचुएशन में जो अमाउंट मेरा था पर यूनिट का वो था 325 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे मिल रहा था. अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन था लास्ट ईयर दैट वॉज 32,50,000 रुपीज़ विच आई वॉज अर्निंग वन आई वॉज सेलिंग 10,000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 500. तो प्रॉफिट जो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा था वो 32,50,000 का था. अब यहाँ पर जब आपको कैलकुलेशंस करनी है विद द अमाउंट ऑफ सेम प्रॉफिट विच आई वॉज अर्निंग लास्ट ईयर, तो यू हैव टू कंसिडर द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन. तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अब नई सिचुएशन के हिसाब से कितना हो गया मेरा, 250 रुपये. सेलिंग प्राइस मेरा 425 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 175 हो गया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो मैं अब अर्न करूंगी नई सिचुएशन में व्हेन द सेलिंग प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड
तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे हर यूनिट पे जो मिलेगा वो 250 रुपये मिलेगा। उसके लिए मैं पहले कितना कमा रही थी, पहले 32,50,000, 32,50,000 मैं कमा रही थी 10,000 यूनिट्स पे, यानी पर यूनिट मेरा था 325 रुपये। अब यहाँ पर क्या होगा, लॉजिकली भी अगर आप लगाओगे तो जब सेलिंग प्राइस कम हो गया तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंक्रीज करके आएगा, 10,000 से मुझे ज़्यादा बेचनी है, तो 32,50,000 रुपीज़ को अगर मुझे कमाना है और हर यूनिट पे मुझे 250 रुपये मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स में कैसे कैलकुलेट करूंगी, 32,50,000 रुपीज़ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आई वॉन्ट्स टू अर्न आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट एंड गेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट एज 250 रुपीज़। तो 32,50,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 250 विल गिव मी द नंबर ऑफ यूनिट्स विच शुड बी सोल्ड बाई मी इन द मार्केट टू अर्न द सेम प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो मेरी सेम ही है, उसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के हिसाब से चेक करना है कि मुझे कितना पैसा सेम अमाउंट कमाने के लिए कितने यूनिट्स को बेचना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग 10,000 यूनिट्स मुझे 13,000 यूनिट्स को बेचना पड़ेगा, जिसके तब मुझे पिछले साल वाला ही प्रॉफिट मैं अर्न कर पाऊंगी। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर। द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर 100 रुपीज, 80 रुपीज एंड 50 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, तीन प्रोडक्ट्स के सेलिंग प्राइस दिए हुए, तीनों के वेरिएबल कॉस्ट हमें दिए हुए हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 50 रुपीज, 40 रुपीज एंड 20 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट मुझे दी हुई थी, ये मैंने यूज करके कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट किया। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी 50 रुपीज फॉर पी, 40 रुपीज फॉर क्यू एंड 30 रुपीज फॉर आर। ये मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन तीनों का आ जाएगा। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो इट इज़ 120 रुपीज जो मुझे मिल रहा है तीनों प्रोडक्ट से मिलाकर। इसके बाद क्वेश्चन ये कहता है द प्रोपोर्शन और द क्वांटिटी वाइज इन विच दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इज 20%, 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली एंड द टोटल फिक्स कॉस्ट इज 14,80,000 रुपीज। अब यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई थी 14,80,000 तीनों की कंबाइन करके, तीन प्रोडक्ट हैं, तीनों के सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, तो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट किया। एक इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन ये दे रहा है वो ये दे रहा है कि जो तीनों प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन है कि किस प्रोपोर्शन में वो बनाकर हम बेच रहे हैं, वो पी का हम 20% बेच रहे हैं, क्यू हम 30% बना के बेच रहे हैं, आर हम 50% की कैपेसिटी 50% के हिसाब से मैन्युफैक्चर करके उसको मार्केट में बेचते हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो आपको क्वेश्चन करना है, गिवन द अबव इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल ब्रेक इवन क्वांटिटी एंड द प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ सच क्वांटिटी। तो ओवरऑल एक ब्रेकअप जो क्वांटिटी हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी होती है वो हमारे लिए कैसे ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला वी डिस्कस्ड इट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट या फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो वो रुपीज़ में आपके पास आ जाएगा। अब यूनिट्स अगर कैलकुलेट करनी है तो हाउ टू कैलकुलेट दी फिगर्स, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया इंडिविजुअली 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ और 30 रुपीज़। मैंने उसका टोटल करके देखा, टोटल मेरे पास आ रहा है 120 रुपये। 20%, 30% और 50% के जो प्रोपोर्शन है मेरा, जो मिक्स है तीनों का पी क्यू आर का, दैट इज़ बेसिकली 20% इज पी, 30% इज क्यू एंड आर इज 50%। ये मुझे इसके लिए प्रोपोर्शन दिया हुआ था अलॉन्ग विद द फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 14,80,000 रुपीज। अब ओवरऑल का अगर कंट्रीब्यूशन मैं देखूँ, टोटल मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो पी का 50% है, क्यू का 40% है, आर का 30% है, टोटल में जो आ रहा है उसमें से जो प्रोपोर्शन मैं यूज़ कर रही हूँ बनाकर बेचने के लिए, जो मेरी
प्रोडक्ट मिक्स है वो 20%, 30% और 50% थी। इसका मतलब पी का जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन था 50 रुपये, उसमें से सिर्फ 20% मेरा प्रोपोर्शन है क्वांटिटी मिक्स के हिसाब से, प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से, जो तीनों का प्रोडक्ट मिक्स है 20, 30 और 50 का। तो 50% के हिसाब से व्हाट आई विल डू इज कॉन्ट्रीब्यूशन का 50% का 20% इज द प्रोपोर्शन आई एम गेटिंग फ्रॉम पी। तो 50 × 20%, ऐसे क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन था टोटल में 40%, उसका मैं से 30% ले रही हूँ, मेरे पास उसका प्रोडक्ट मिक्स में से 30% है, तो 30% ऑफ 40 रुपीज़। ऐसे ही आर का जो टोटल प्रपोर्शन में मेरा रेशो है, परसेंटेज है प्रोडक्ट मिक्स में, दैट इज़ 50%, और उसका जो कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 30 रुपये एक यूनिट के हिसाब से। तो टोटल में अगर 30 रुपये दे रहा है, 50% मैं उसका ले रही हूँ, तो 50% ऑफ 30 का मेरा प्रपोर्शन प्रोडक्ट मिक्स में आर के हिसाब से है। तो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैं ले रही हूँ पी क्यू आर का मिक्स करके, दैट इज 20% ऑफ 50 प्लस 30% ऑफ 40 प्लस 30% ऑफ सॉरी 50% ऑफ 30। जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग 37 रुपीज एज द टोटल ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ पी क्यू आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 20%, 30% एंड 50%। ठीक है, अब टोटल यूनिट्स मेरे पास कितनी है, टोटल जो यूनिट्स अगर मैं मान के चलूँ वो मेरे पास हैं 100। टोटल जो अब यूनिट्स पी क्यू आर का प्रोडक्ट मिक्स होगा, इन केस आई जस्ट अज्यूम दैट टोटल यूनिट्स अगर 100 हैं, तो 20% के हिसाब से 20 यूनिट तो पी की हो गई, क्यू की 30 यूनिट्स हो गई और आर की 50 यूनिट्स हो गई, जो मेरा प्रोडक्ट मिक्स है, जिससे मुझे जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा वो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन पी से जो मुझे मिल रहा है दैट विल बी 1000 रुपीज़, 1200 विल बी फ्रॉम क्यू एंड 1500 फ्रॉम आर। वो कैसे किया, क्योंकि 20% 30% और 50% था, तो उसके हिसाब से 1000 रुपीज़, 1200 रुपीज़ एंड 1500 रुपीज़। सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आई विल बी गेटिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ पी क्यू आर इज 3700 रुपीज़ इन केस आई एम सेलिंग 100 यूनिट्स इन टोटैलिटी। तो पर यूनिट जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया, 37। ये दूसरा पैटर्न था जिसे हम कैलकुलेशंस कर सकते थे, यही सेम चीज़ हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी, ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 37 का मेरा था। अब ओवरऑल मुझे क्या कैलकुलेट करना था, ब्रेक इवन क्वान्टिटी। ब्रेक इवन क्वान्टिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, विच वी हैव कैलकुलेटेड एज 37। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज 14,80,000 रुपीज डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट विच इज 37। तो 37 के हिसाब से जब कैलकुलेशंस की तो 40,000 रुपये का मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो इन केस आई एम सेलिंग, इफ आई एम हैविंग द सेल्स ऑफ 40,000, देन आई विल बी गेटिंग द आई विल बी एट द ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ पी क्यू एंड आर, तीनों का मिलाकर अगर 40,000, जिसमें पी का 20% है, क्यू का 30% और 50% आर का आर है उसमें प्रोडक्ट मिक्स में। इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन का पार्ट जो पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था कि प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप आपको पूछना है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप का मतलब है 20%, 30% और 50%। तो इंडिविजुअल ब्रेकअप कैसे आ गया, टोटल में अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट में 40,000 यूनिट्स को बेच के मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे आऊँगी, ब्रेक इवन पॉइंट पे आऊँगी, तो उसमें प्रोडक्ट मिक्स कितना था, 20, 30 और 50%। तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट ए की 20% का मतलब है टोटल 40,000 में से 20% यानी 8,000, 40% वो 30% वॉज फॉर क्यू, 30% का मतलब हो गया 1200, और 50% के हिसाब से आपका अमाउंट आ जाएगा 20,000 यूनिट्स का। तो इन केस आई एम टॉकिंग ऑफ द टोटैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, देन द टोटल सेल्स शुड बी 40,000 टू हैव टू बी एट द ब्रेक इवन पॉइंट, और अलग अलग अगर हम देखेंगे तो 8,000, 12,000 और 20,000। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस।
आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को. एंड इन केस यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क. ओके, नेक्स्ट इज ओके. नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी. द क्वेश्चन सेज दैट ए बी सी आर थ्री सिमिलर प्लांट्स अंडर द सेम मैनेजमेंट हु वॉन्ट्स देम टू बी मर्ज्ड फॉर बेटर ऑपरेशन. सेम मैनेजमेंट टीम है, उनके अंडर में तीन प्लांट्स पे काम हो रहा है ए बी सी, और वो चाहते हैं कि वो सारा का सारा मर्ज कर दिया जाए ताकि बेहतर तरीके से काम हो. अब तीन प्लांट्स हैं ए बी सी, उनकी जो कैपेसिटी हम यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटी ऑपरेटेड जो है दैट इज़ 100% ऑफ ए, 70% कैपेसिटी इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर प्लांट बी एंड 50% इज़ फॉर सी. तो ये उनकी कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है ए बी सी प्लांट्स की. उसके आपके तीनों के टर्नओवर दिए हुए हैं इन लाख रुपीस. इन लैक्स में अगर दिया हुआ है तो टर्नओवर 300, 280 एंड 150 रिस्पेक्टिवली. वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 200, 210 एंड 75 रुपीज़. फिर फिक्स कॉस्ट आपको तीनों की दी हुई है 70, 50 और 62. अब हमें क्वेश्चन में कैलकुलेशंस क्या करनी है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है. पहला जो पॉइंट है वो आपसे कहता है यू हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट फॉर ब्रेक इवन. अब तीन प्लांट्स की आपको कैपेसिटी दी हुई थी, तीनों के प्लांट्स के अलग अलग के टर्नओवर दिए हुए थे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दिए हुए थे. अब हम उसको मर्ज अगर करें तो हम कितने क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जहां पर हम ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे. तो कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है. उसके बाद दूसरा पॉइंट जो क्वेश्चन कहता है वो ये कहता है वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी ऑफ द मर्ज प्लांट. अब अगर तीनों प्लांट्स को मर्ज कर दिया जाए उसके बाद उसकी 75% कैपेसिटी हम यूटिलाइज करें, उस पर ऑपरेट करें, तो हमें क्या प्रॉफिट होगा. तीसरा क्वेश्चन ये कहता है वी हैव टू कैलकुलेट द टर्नओवर फ्रॉम द मर्ज प्लांट टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 28 लाख रुपीज़. अगर मेरे लिए 28 लाख का प्रॉफिट का लेवल मैं अगर सेट कर दूँ कि मुझे 28 लाख रुपये प्रॉफिट के कमाने हैं तो मुझे टर्नओवर कितना मेरा होना चाहिए, हाउ मच should be sold in the market to get a profit of 28 lakh rupees. I hope कि आपको question सबको clear है. अब solution पे देखते हैं. 100% capacity पे अगर हम बात करें तीनों plants के लिए तो हमें plant A तो already 100% capacity का ही दिया हुआ है कि हम उसको 100% capacity पे ही utilize कर रहे हैं. Operations जो हैं वो 100% capacity पे ही हैं. बी और सी में जो डिफरेंस है, बी और सी का जो डिफरेंस है वो 70% और 50% का है. अब हमें क्योंकि मर्ज करना है तो हम तीनों को पहले 100% कैपेसिटी पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 70 और 50 वाला नहीं, हम पहले के पहले जब हम अभी जो चल रहा है वो 70, 50 और 100 के हिसाब से है. लेकिन जब हम मर्ज करेंगे तो वी हैव टू सी कि अगर 100% कैपेसिटी पे इसको करते तो हमारे कितने कितने खर्चे होते एक्चुअली अगर पूरा करते. तो एट 100% कैपेसिटी प्रोडक्ट ए के लिए तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी ऑलरेडी, क्योंकि वो 100% कैपेसिटी पे है. तो टर्नओवर कितना था 300 रुपीस का. ये सारी की सारी फिगर्स इन लैक्स है. आई एम जस्ट यूजिंग दिस, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म लैक्स अगेन एंड अगेन. तो मैं 300-200 के हिसाब से बता रही हूँ. टर्नओवर 300 का है, वेरिएबल कॉस्ट 200 दी हुई थी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे लिए आया 100 रुपीज़ का. उसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट टोटल जो मुझे 70 रुपये दी हुई थी वो मैंने माइनस की, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 30 रुपये के हिसाब से. फिर हैंग कर गया, एक सेकेंड दो, वापस से ये हैंग कर रहा है.
कैपेसिटी ए वाला जो था 100% के हिसाब से ये ए प्लांट का, तो इसमें टर्नओवर 300 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपीज़, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 70 रुपये, फिक्स कॉस्ट 70 रुपये दी हुई थी, कंट्रीब्यूशन 100 रुपये का था, तो प्रॉफिट मेरे पास 30 रुपये का आएगा। तो ये आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ था 100% के हिसाब से, तो इसमें कोई कैलकुलेशंस करनी थी नहीं। बी वाले पे जब हम आएंगे, बी का जो एग्जिस्टिंग है वो 70% कैपेसिटी पे है, तो अब मुझे इसको 100% कैपेसिटी पे कन्वर्ट करके देखना है कि अगर ये 70 की बजाय 100 पे हो तो कितना होगा। तो 70% के हिसाब से जो टर्न ओवर है वो 280 की है। अब 280 की अगर 70% पे है तो 100% पे कितनी होगी, 280 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, तो दैट विल गिव यू 400 इज द टर्न ओवर एट अ कैपेसिटी ऑफ 100% इन केस ऑफ प्लांट बी। आई होप कि आपको क्लियर है। तो जो आपको 70% की कैपेसिटी की फिगर्स दिए हुए हैं वो सबको आपको कन्वर्ट करना है 100% के हिसाब से। तो टर्नओवर के हिसाब से टर्नओवर आपका आ जाएगा 400 का। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट जो दी हुई थी, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी 210 रुपीज़ की, तो वो थी 70% के हिसाब से। 100 के हिसाब से क्या करूँगी, 210 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, तो वो मुझे 70% की बजाय 100% पे मुझे मिल जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 300 रुपीज। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट जो दी, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट हमने करी ली, फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट में हमें आप ये, अब ये चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, कई बार स्टूडेंट्स जल्दी में क्या कर देते हैं कि जब हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं, अभी हमें बी के लिए सारा 70% पे दिया हुआ है, तो वो हम सारा का सारा डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 करके 100% कैपेसिटी पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस इज कि जल्दी के चक्कर में स्टूडेंट्स फिक्स कॉस्ट को भी 50 का मान लेते हैं कि वो 70% पे है, तो 50 बाय 70 इंटू 100 करके उसको 100% कैपेसिटी पे करते हैं, जो कि एक्चुअली गलत हो जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी 100% कैपेसिटी तक सेम ही रहनी है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होने हैं। तो मेक श्योर कि आप अगर जल्दबाजी में पेपर कर भी रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 100% कैपेसिटी तक सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं, अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो बी के लिए टर्नओवर आया 400 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट आई 100% कैपेसिटी पे 300 रुपीज़, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा रहा 100 रुपीज़ का, जिसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट को चार्ज किया तो 50 रुपये की, तो मेरे पास 50 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके बाद सी का देखेंगे। सी इज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी, अब मुझे इसको 100% कैपेसिटी पे करना है, तो इसका तो बेसिकली अगर 50% है तो आपको डबल कर देना है, कोई कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशंस अगर करोगे तो क्या करोगे, टर्नओवर के लिए 150 अगर टर्नओवर है तो डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100, तो क्योंकि 50% है तो उसका आपको सिर्फ डबल कर देना है, कोई और दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। तो टर्नओवर अगर 150 था तो टोटल टर्नओवर एट अ कैपेसिटी ऑफ 100% इट विल बी 300। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट 75 रुपये थी 50% कैपेसिटी पे, तो यू हैव टू जस्ट गेट इट डबल्ड, तो वेरिएबल कॉस्ट एट अ परसेंटेज ऑफ एट अ कैपेसिटी ऑफ 100% इट विल बी 150 रुपीज़। फिक्स्ड कॉस्ट इट विल बी सेम, इट विल बी इंटैक्ट 62 रुपीज़। तो 300 टर्नओवर है, 150 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 150 का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आया, टू विच द फिक्स कॉस्ट विल बी चार्ज एट अ रेट ऑफ 62 रुपीज़ एंड यू हैव द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। अब आपको क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कंबाइंड वाला कैपेसिटी के हिसाब से देखना था, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से। अब कंबाइंड के हिसाब से मर्ज प्लांट अगर करूं एट 100% कैपेसिटी, कि तीनों की ही 100% कैपेसिटी अगर मैंने ली तो टर्नओवर कितनी आएगी, ए की 300 यूनिट 300 रुपये की टर्नओवर थी, बी की 400 थी, सी की 300 थी, तो उसके हिसाब से तो टोटल कैपेसिटी, टोटल टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लांट, व्हेन वी मर्ज दीज थ्री प्लांट्स एट 100% कैपेसिटी, तो टोटल टर्नओवर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 300 प्लस 400 प्लस 300 1000 का टर्नओवर आ जाएगा। इसी तरह टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 200 प्लस 300 प्लस 150 650 का। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल आ जाएगा 350 का,
टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 162 की, तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास तीनों कैपेसिटी को, तीनों प्लांट्स को अगर 100% कैपेसिटी पे मैं मर्ज कर दूंगी तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 168 रुपीज़ का। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर है। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पहला जो चीज़ थी हमें निकालनी थी कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैलकुलेशंस मुझे करनी है। पहला पीवी रेशो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो पीवी रेशो क्या होती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो मर्ज्ड प्लांट के लिए अगर मैं पीवी रेशो कैलकुलेट करूँ तो कंट्रीब्यूशन कितना है 350 रुपीज़, टर्नओवर कितनी है 1000 रुपीज़ की, तो 350 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100 गिव्स मी 35% एज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ऑफ द मर्ज्ड प्लांट। ये आपके लिए पीवी रेशो आई। अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है जहाँ पर मेरा पीवी रेशो यूज़ होता है। ब्रेक इवन पॉइंट मर्ज प्लांट के लिए अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मैंने अभी कैलकुलेट की 35%, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास टोटल में है 182 रुपीज़ की, हमने मर्ज प्लांट की कैलकुलेट की है सम टोटल करके। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द मर्ज प्लांट विल बी इक्वल्स टू 182 विच इज द कम्बाइंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 35% विच इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ से आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा 520 रुपीज़ का। तो इन केस वी आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट वर्थ 520 तो आई एम एट द ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके साथ में आपको यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी द कैपेसिटी ऑफ द मर्ज प्लांट फॉर ब्रेक इवन। तो परसेंटेज के हिसाब से मुझे कैपेसिटी देखनी थी कि कितनी कैपेसिटी पे मैं उसको यूटिलाइज करूँ कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो अभी तो मैंने सेल्स का कैलकुलेट किया था ब्रेक इवन पॉइंट पे कि कितनी मैं सेल्स कर रही हूँ। अब मुझे उसको कैपेसिटी के हिसाब से परसेंटेज देखना है कि मर्ज प्लांट अगर है तो उसकी कितनी कैपेसिटी मुझे यूटिलाइज करनी है अगर मैं ब्रेक इवन पे जाना चाहती हूँ। अगर मैं ब्रेक इवन पे हूँ तो कितनी होगी, तो कैपेसिटी कैसे, 500 यूनिट्स को मैं बेच 520 रुपये की मैं सेल्स कर रही हूँ, टोटल टर्नओवर कितनी है उस मर्ज प्लांट की 1000, ये हमने अभी कैलकुलेट की थी। तो इफ़ आई एम जस्ट गेटिंग द टर्न ओवर ऑफ द मर्ज प्लांट एज 1000 रुपीज़ और उसमें से 520 वाला मेरा कैपेसिटी जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 520 है, तो मुझे कितनी कैपेसिटी पे काम करना है। तो ब्रेक इवन कैपेसिटी इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय द टोटल टर्न ओवर ऑफ द मर्ज प्लांट, यानी 520 डिवाइडेड बाय 1000, 52% की कैपेसिटी। यानी जो मेरा मर्ज प्लांट है ए बी सी का इकट्ठा कंबाइन करके मैं अगर उसकी सिर्फ 52% कैपेसिटी को यूटिलाइज करके मैन्युफैक्चरिंग करूंगी और बेचूंगी तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाऊंगी। तो उसके ऊपर अगर जहां पर भी कैपेसिटी यूटिलाइज करके मैं सेल्स करूंगी तो आई विल बी एट दी प्रॉफिटेबल सिचुएशन, और 52% पे अगर होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट पे। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट था वो क्या कहता है, दी यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट। अभी 52% पे तो मुझे पता है कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे हूँ, इससे हायर जितना भी जाऊंगी आई विल बी एट अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं मर्ज्ड प्लांट की 75% कैपेसिटी को यूटिलाइज करूंगी तो मुझे कितना प्रॉफिट अर्न होगा, कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 75% पे मैंने ये सेल्स कितनी की, 1000 रुपये की सेल्स हो रही है कब, जब मैं 100% कैपेसिटी पे हूँ, तो 75% पे कितनी होगी 750 की। तो सेल्स एट कैपेसिटी ऑफ 75% ऑफ द मर्ज प्लांट विल बी इक्वल्स टू 750। इसके बाद इस पर जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा, जो प्रॉफिट मुझे मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन का वो कितना आएगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मेरी सेम है 35% जो मैंने कैलकुलेट की थी। तो इन केस आई एम सेलिंग एट 75% कैपेसिटी, दैट मीन्स इफ द सेल्स इज 750 तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया 35% ऑफ 750, 35% ऑफ द सेल्स
यही हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, तो हमें वापस से वेरिएबल कॉस्ट और वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास पीवी रेशियो है ऑलरेडी। तो पीवी रेशियो 35% थी, उसके हिसाब से 35% ऑफ 750 गिव्स मी दी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 262 रुपीज 50 पैसा, जिसमें से कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी 182 मर्ज्ड प्लांट की। मर्ज्ड प्लांट की 182 रुपीज की जो फिक्स कॉस्ट थी वो मैंने माइनस की, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट जो बचेगा वो बचेगा 80 रुपीज 50 पैसा, इन केस आई एम यूटिलाइजिंग दिस यूटिलाइजिंग 75% कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट। तो ये आपका सेकंड पार्ट आपने कैलकुलेट किया जब आपको 75% की कैपेसिटी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये कहता है पार्ट कि यू हैव टू कैलकुलेट द टर्नओवर फ्रॉम द मर्ज्ड प्लांट्स टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 28 लाख। अब यहाँ पर मेरा एक डिजायर्ड प्रॉफिट का लेवल है 28 लाख रुपए मैं कमाना चाहती हूँ, तो मैं कितनी सेल्स करूँ कि मुझे 28 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं अर्न कर पाऊँ। तो डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ब्रेक इवन के डिजायर्ड सेल्स के लिए डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। कुछ बुक्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि डिजायर्ड सेल्स की जगह वो ब्रेक इवन सेल्स ही लिख देते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है, बट यू हैव टू राइट डिजायर्ड सेल्स। तो डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, वो हमारे पास थी 182 रुपीज की, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 28 लाख रुपए मैं कमाना चाहती हूँ प्रॉफिट के, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विच इज 35% इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो डिजायर्ड सेल्स विल बी इक्वल्स टू 182 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 35% गिव्स यू 600 रुपीज की सेल्स। मैं ये सेल्स करूँगी तो मुझे फ़ायदा होगा 28 लाख रुपए का, 600 लाख रुपीज की सेल्स पे 28 लाख रुपए का आई विल बी अर्निंग द प्रॉफिट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट इज ओके। अब इसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कंपनी मैन्युफैक्चरर्स सिंगल प्रोडक्ट, एक सेकेंड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स अ सिंगल प्रोडक्ट हैविंग अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 75 पैसा पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम होती है। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है फिक्स कॉस्ट की, 12,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट 75 पैसे पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट 12,000 रुपये है। मार्केट इज सच दैट अप टू 40,000 यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट अ रेट ऑफ 1 रुपी 50 पैसा पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1.5 रुपये एक यूनिट का है। बट एनी एडिशनल सेल्स मस्ट बी मेड एट अ रेट ऑफ 1 रुपी पर यूनिट। इसका मतलब है कि मार्केट की सिचुएशन आपको दी हुई है कि अगर मैं 40,000 यूनिट्स तक बेचती हूँ तब तो मैं 1.5 रुपये पे बेच सकती हूँ, लेकिन अगर उसके बाद कोई एडिशनल सेल्स मुझे करनी है तो एडिशनल सेल्स में सेलिंग प्राइस विल नॉट बी 1 रुपी 50 पैसा, इट विल बी 1 रुपी, एंड देयर इज अ प्लान्ड प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी मेड एंड सोल्ड। आप 20,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो, आपको ये देखना है फिक्स कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितने यूनिट्स आप बना के बेचोगे। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। अब इसमें अगर हम कैलकुलेशंस करें तो सेलिंग प्राइस मेरे लिए शुरू में कितना है, 1.5 रुपये 40,000 यूनिट्स तक का, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। सेलिंग प्राइस इज 1 रुपी 50 पैसा। अब जो मेरे लिए वैल्यू आएगी 40,000 तक के लिए, सेलिंग प्राइस विल बी 1 रुपी 50 पैसा, तो मैं उसके हिसाब से प्रॉफिट देखूंगी पहले कि मुझे प्रॉफिट कितना
40,000 की यूनिट्स बेचने पर मिलेगा, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लान्ड प्रॉफिट है वो कितना है, 20,000। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 40,000 यूनिट्स मैं 1.5 रुपये पे बेच रही हूँ, तो पहले तो मैं कोशिश यही करूँगी ना, 40,000 यूनिट्स ही बेचूंगी 1.5 रुपये पे, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम कंपेयर करेंगे प्लान्ड प्रॉफिट से कि क्या डिफरेंस है। और अगर मैं पहले ही 20,000 कमा रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशंस कर लूँगी, वरना मुझे एडिशनल यूनिट्स 1-1 रुपये वाली भी बेचनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए। तो फर्स्ट आई हैव टू चेक वॉट विल बी दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आई विल बी अर्निंग इन केस आई एम सेलिंग 40,000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 1.50 रुपये। अब 40,000 के यूनिट्स के सेल्स के हिसाब से मैं अगर कैलकुलेशंस करूँ तो सेल्स मेरी कितनी है, 40,000 यूनिट्स इंटू 1.5 रुपये के हिसाब से 1.50 रुपये, तो टोटल सेल्स आ जाएगी 60,000 रुपये की। वेरिएबल कॉस्ट मुझे दी हुई है 75 पैसे एक यूनिट के हिसाब से, तो 75 पैसे यूनिट के हिसाब से 40,000 यूनिट्स का अमाउंट आ जाएगा आपका 30,000 रुपये का। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आ गया 30,000 रुपीज़ का। फिक्स कॉस्ट मुझे दी हुई थी 12,000 की, फिक्स कॉस्ट मैंने चार्ज करके जब कैलकुलेशंस की तो प्रॉफिट मेरे पास आया 18,000 का। इसका मतलब मैं अगर मार्केट में 40,000 यूनिट्स को बेचती हूँ 1.5 रुपये के हिसाब से, तो आई विल बी अर्निंग 18,000 रुपीज एज प्रॉफिट। ओके, मुझे जो मेरा प्लान प्रॉफिट था वो कितना था, 20,000 रुपीज का। 40,000 यूनिट्स को अगर मैं बेचती हूँ तो मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ 18,000, यानी 2,000 रुपये मुझे और कमाने हैं, जो मैं कहाँ से कमाऊंगी, सॉरी, आई एम इफ आई एम सेलिंग 40,000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 150, तो मेरा प्रॉफिट है 18,000, मुझे 2,000 रुपये और कमाने हैं, क्योंकि जो मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है वो कितना है, 20,000 रुपये का। तो यानी 40,000 तो मैं बेच ही रही हूँ, उसके अलावा में मुझे कुछ और यूनिट्स बेचनी हैं, बेचनी पड़ेंगी 1 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 40 से ऊपर जितने भी यूनिट्स आएंगी वो 1 रुपये में बिकेंगी, तो मुझे कुछ और यूनिट्स को बेचना पड़ेगा जिससे मैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा वाले कमाऊंगी। तो ये तो 18,000 के प्रॉफिट के हिसाब से 40,000 हो गई यूनिट्स। तो अब बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है 2,000 रुपये के प्रॉफिट को कमाने के लिए, उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अब मुझे 1 रुपये पे कितनी यूनिट्स को बेचना है कि मुझे 2,000 का प्रॉफिट मिल जाए। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट फ्रॉम द एडिशनल यूनिट्स विच आर सपोज टू बी सोल्ड इन द मार्केट एट 1 रुपी, वो कितना है, 2,000 रुपये मुझे कमाने हैं। एडिशनल यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है 75 पैसे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास कितना आएगा नए सेल्स के हिसाब से, अब जो सेलिंग प्राइस है अब कितना है, 1 रुपये का, ये वाला आपके पास आ गया। एडिशनल वाला जो मेरी यूनिट्स होंगी उसके लिए सेलिंग प्राइस है 1 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 75 पैसे, तो कंट्रीब्यूशन जो मेरे को मिलेगा हर यूनिट के हिसाब से वो मिलेगा 25 पैसे का। मुझे कमाना कितना है, 2,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना है। तो कैसे करूँगी, 2,000 रुपीज़ मुझे अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेल्स जो है उसके हिसाब से व्हाट आई हैव टू डू इज़ 25 पैसे अगर मुझे मिल रहे हैं हर यूनिट पे, तो लेट द टोटल एडिशनल सेल्स बी एक्स, मैंने उसको एक्स माना यूनिट्स को, उस पे मुझे 25 पैसे मिल रहे हैं। अब वो मेरा कितना अमाउंट होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो मेरा 25 पैसे पर यूनिट का है, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपीज़। तो ये मेरी इक्वेशन बनी, तो 25 पैसा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2,000 रुपीज़, क्योंकि मुझे सिर्फ 2,000 रुपये और कमाने हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के। तो आपको इसे एक्स पता चल गया 8,000 का, यानी कि मैं 8,000 यूनिट्स अगर बेचूंगी तो मैं 1 रुपये पे अगर 8,000 यूनिट्स को बेचूंगी गिवन सिनेरियो में, तो 25 पैसे के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से टोटल मुझे जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा 2,000 रुपये होगा एडिशनल 8,000 यूनिट्स पे। तो 40,000 यूनिट्स तो मैं बेच रही थी पहले, जहाँ पे 1.5 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस था,
1 रुपए पे जो एडिशनल मुझे बेचनी है वो मुझे 8,000 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी, जिस पर कि मैं 1 रुपए पे वो बेच के टोटल में 2,000 का प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगी। तो इन टोटालिटी 40,000 यूनिट्स प्लस 8,000 यूनिट्स, 48,000 रुपीज आर सपोज टू बी मेड एंड सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज़, जिसमें से कि अगर आपसे बाइफिकेशन पूछी जाए तो 40,000 यूनिट्स तो 1,50,000 रुपये पे बना के बेच रहे हो और बाकी 8,000 आप जो बेचोगे वो 1 रुपये वाली बेचोगे, तो टोटल में आपको 20,000 का प्रॉफिट आप अर्न करोगे। आई होप कि ये क्लियर है आपको क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट था? ओके, आप में से किसी एक ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड वी गेट 750 लाख फॉर सेल्स एट 75% कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट। देखो, ये वाला जो मर्ज्ड प्लांट की 75% कैपेसिटी वाली जो फिगर आई थी सेल्स की, आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि 750 कैसे आई है। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें ए बी सी प्लांट दिए हुए थे और उनकी कैपेसिटी ऑपरेटेड दी हुई थी 100%, 70% और 50%। ये वो कैपेसिटी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। हम बी और सी, अगर ए का तो 100% है, बी और सी को हम 70 और 50% की कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं, बाकी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम चाहते तो हम कर सकते थे। जब हम प्लांट्स को मर्ज करते हैं तो मर्ज करने के टाइम पे तो हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं देखेंगे, हम उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है वो देखेंगे कि हम कितना काम कर सकते हैं। इसी वजह से जब हमने कैपेसिटीज को मर्ज करा था तीनों प्लांट्स को, तो हमने बी और सी को 70 से 100 पे करा और बी सी को 50 से भी 100 पे कन्वर्ट कर रहा था, तभी हमारी टर्नओवर बी की, अगर आपको याद है, तो 280 थी, जिसको हमने 70% से 100% पे कन्वर्ट करके 400 लिए। तो बेसिकली व्हेन वी आर मर्जिंग दी प्लांट्स, तो यहाँ पे मैंने लिख कर भी आपको दिया था कि दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कैलकुलेटिंग इट एट 100% कैपेसिटी। कि अगर बी सी तीनों ही प्लांट्स अगर 100% कैपेसिटी पे होंगे तो हमारी टर्नओवर या कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा। तो मर्ज्ड प्लांट हम तीनों को मर्ज कर रहे थे 100% कैपेसिटी पे, तो मैं अगर 100% कैपेसिटी मर्ज्ड प्लांट की यूज करूँ तो, कंज्यूम करूँ तो, मेरे पास टोटल में जो टर्नओवर आएगी वो कितनी आएगी, 1,000 यूनिट्स की। और अब मैं सेल्स किस पे देख रही हूँ, कैपेसिटी पे 75% पे। मैं अगर 100% कैपेसिटी पे 1,000 यूनिट्स बना रही हूँ या 1,000 रुपये की सेल्स कर रही हूँ, तो 75% की कैपेसिटी पे कितनी करूँगी, 750 की। यही वो सेम चीज़ है। तो बेसिकली जब मर्ज प्लांट की हमने कैलकुलेशंस की थी तो वो तीनों प्लांट्स की 100% कैपेसिटी पे थी। सेकंड जो पार्ट हमें क्वेश्चन का देता है वो 75% की कैपेसिटी पे पूछ रहा है, इसलिए हमारा वो 750 आया, क्योंकि 100% पे 1,000 था। आई होप कि अभी आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक थी, मैं वापस से शेयर कर देती हूँ एक बार। अब आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो मेरे यहाँ पे तो सही एकदम स्क्रीन पे आ रहा था। ओके, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके क्वेश्चंस क्या है, कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट एट बीईपी का फॉर्मूला, और क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला रहेगा।
प्रियंका आपका क्वेश्चन था कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट पे बीईपी का फॉर्मूला सेम है। देखो बीईपी के फॉर्मूला कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा, वट एवर द सिचुएशन इज़। आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं या हम उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, अलग अलग प्लांट्स की है, मर्ज प्लांट की है, तो फॉर्मूला विल बी सेम। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अगर मर्ज की है तो आपका जो फिगर्स लेनी है कैलकुलेशंस में वो मर्ज प्लांट वाली लेनी है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, फॉर्मूला आपका हमेशा सेम रहेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज दैट अ कंपनी हैज़ द फिक्स कॉस्ट ऑफ 14 लाख रुपीज़ इन 2004। The sales amounted to 60 lakh rupees as compared to 45 lakh rupees in 2003. 2003 और 2004 में आपको जो सेल्स के फिगर्स थे वो दिए हुए हैं 45,000 और 60,000 रुपीज़। प्रॉफिट आपको दोनों साल का दिया हुआ है, प्रॉफिट में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट इन 2004 वाज 4,20,000 हायर देन इन 2003। इसका मतलब जो 2003 में प्रॉफिट होगा उसमें प्लस 4,20,000 मैं कर दूंगी तो वो मेरा 2004 का प्रॉफिट है। कैलकुलेशन हमें करनी है, पहली एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स डज द कंपनी ब्रेक इवन, तो एक ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है। दूसरा डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द प्री का सेल्स वॉल्यूम ऑफ 80 लाख रुपए की, अगर मैं सेल्स करती हूँ तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तीसरा इफ़ देयर इज़ अ रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस इन 2005 बाय 10% and the company desires to earn the same profit as in 2004, what will be the required sales? I hope ki question aap logon ko clear hai. Fixed cost mujhe di hui thi, 2 saal ki sales di hue the, profit ka difference mujhe pata tha, mujhe pehle break even sales nikalne hain. Abhi kaise calculations hum iski karenge? जब हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए एक फॉर्मूला हमारा क्या था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, सिर्फ सेल्स दी हुई थी, तो मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं कैलकुलेट कर सकती। दूसरा मेरे लिए फॉर्मूला जो होता है, अगर मेरे पास 2 साल के फिगर्स दिए हुए हैं तो उनका मैं डिफरेंस यूज़ कर सकती हूँ टू कैलकुलेट the profit volume ratio। वो कैसे, profit volume ratio के लिए अगर 2 साल की figures का हमें 2 साल के figures दिए हुए होते हैं तो formula होता है difference in profit divided by difference in sales, this gives you the profit volume ratio। अब difference in profit दिया हुआ था 2003 से, 2004 में 4,20,000 का प्रॉफिट ज़्यादा था तो डिफरेंस आपको दिया हुआ था। सेल्स के दोनों के अमाउंट दिए हुए थे तो 15 लाख रुपए का डिफरेंस आपको मालूम चल गया। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट विच इज़ 4,20,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स विच इज़ 15 लाख रुपीज़, तो दे आर इन 200, दैट गिव्स यू 28% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। आपके पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ गई 28% की। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे दी हुई है 14 लाख रुपये की, तो मैं इजीली अब ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकती हूँ विच इज़ फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट इज 14 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 28% विच इज़ दी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इससे आपको 50 लाख का अमाउंट आ गया कि अगर मैं 50 लाख की सेल्स करती हूँ तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर हूँ। तो पहला पार्ट आपने क्लियर कर लिया कि यू हैव टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो 50 लाख रुपीस की सेल्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट, इन केस यू सेल 50 लाख रुपीस की सेल्स अगर हम करते हैं तो हम ब्रेक इवन लेवल पे हैं। दूसरा हमें पार्ट दिया हुआ था दैट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इन केस वी हैव अ सेल्स ऑफ 80 लाख रुपीस की। अब 80 लाख रुपीस की अगर सेल्स है मैं अगर करूँ उसके लिए मुझे प्रॉफिट की फिगर या लॉस की फिगर कैलकुलेट करनी है। अब ब्रेक इवन पॉइंट मेरा 50 लाख है तो ये तो बट ऑब्वियस है कि मुझे इस पे प्रॉफिट होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट मैं बड़े आराम से कर सकती थी क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मेरे पास दी हुई थी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट के फिगर बता देता है कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, तो सी एम अपॉन सेल्स इन 200 के हिसाब से
अगर मैं 80 लाख रुपीज़ को 28% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई विल बी गेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आई विल बी गेटिंग एट दिस लेवल ऑफ सेल्स. तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी इक्वल्स टू 80 लाख रुपीज़ इंटू 28%. वो अब आपका अमाउंट मिल जाएगा 22,40,000 रुपये का एज द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एट द लेवल ऑफ सेल्स ऑफ 80 लाख रुपीज़. इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूँ तो फिक्स कॉस्ट माइनस की 22,40,000 में से 14 लाख रुपए की तो मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगा प्रॉफिट का जो मैं अर्न कर रही हूँ 8,40,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा अगर मैं 80 लाख रुपए की सेल्स कर रही हूँ. तो सेकंड पार्ट आपका इस तरह से कैलकुलेशंस आपको करनी है. थर्ड पॉइंट आपसे पूछता है इफ देर इज अ रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस इन 2005 बाई 10% एंड द कंपनी डिजायर्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज इन 2004 व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सेल्स. मैं अगर सेलिंग प्राइस कम कर दूँ 10% के हिसाब से सेम प्रॉफिट जो मेरा 2004 में था वो ही मैं कमाना चाहती हूँ तो मुझे सेल्स कितनी करनी है. अब सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि 2004 में प्रॉफिट था कितना, पहले वो कैलकुलेट करेंगे. तो प्रॉफिट फॉर 2004 जब कैलकुलेट करेंगे 2004 के लिए मुझे सेल्स का अमाउंट दिया हुआ था 60 लाख रुपए का. 60 लाख रुपए का सेल्स का अमाउंट दिया हुआ था. कंट्रीब्यूशन मार्जिन की मुझे पीवी रेशो के हिसाब से परसेंटेज पता थी 28% पीवी रेशो था. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा कैलकुलेट करके आ जाएगा पीवी रेशो इंटू सेल्स. तो सेल्स इज 60 लाख रुपीज़ इंटू 28% गिव्स यू द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 16.8 लाख रुपीज़. ये आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया. अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास आ गया उसमें से मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगी 14 लाख रुपए की तो रिमेनिंग मेरे पास प्रॉफिट बचेगा 2.8 लाख रुपीज़ का. दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट अ गिवन लेवल ऑफ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 80 लाख रुपीज़. आई होप कि ये क्लियर है. अब थर्ड पार्ट जो हमारा है वो क्या है. इफ देर इज अ रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस बाई 10% इन 2005 यू हैव टू कैलकुलेट द डिजायर्ड सेल्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज इन 2004. अब ये कैसे कैलकुलेशंस करूँगी. 80 लाख रुपए मुझे अब नया जो कैलकुलेशंस करनी थी डिजायर्ड सेल्स की व्हेन द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसमें जब हम नई पीवी रेशो या बाकी सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कहीं पे भी चेंजेस नहीं आएंगे सेल्स के यूनिट्स के हिसाब से. तो सेल्स मेरी कितनी है. सेल्स मेरी आएगी 54 लाख रुपीज़ की. ये हमने कैलकुलेशंस की. वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेशन वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आएगी 43,20,000 रुपीज़ की. रिडक्शन हम कर रहे हैं 10% के हिसाब से. तो 10% के हिसाब से 2004 में जो सेल्स थी सेल्स मेरी कितनी थी 60 लाख की. अब उसमें 10% रिडक्शन कर दिया. 10% रिडक्शन कर दिया तो 10% रिडक्शन का मतलब हो गया 60 लाख का 10% 6 लाख रुपए वो मेरा रिड्यूस हो गया. तो न्यू सेल्स इन 2005 विल बी 54 लाख रुपीज़. उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके मेरी आएगी 43,20,000 रुपीज़ की. फिर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा आया 10,80,000 रुपीज़ का. पीवी रेशो मैं कैलकुलेट करूँगी. पीवी रेशो विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 विच कम्स आउट टू बी 20%. पहले अब आप देखो पहले मेरी जो पीवी रेशो आई थी वो 28% थी. अब मेरा जो पीवी रेशो आएगी नई कैलकुलेट करके इन केस देर इज अ रिडक्शन ऑफ 10% इन सेलिंग प्राइस तो पीवी रेशो मेरी आई 20% के हिसाब से. अब डिजायर्ड सेल्स मुझे कैलकुलेट करनी है विद द अमाउंट ऑफ विद द सेम प्रॉफिट एज इन 2004. अब 2004 में जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया था सेकंड फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रॉफिट कितना था मेरा 2004 में 2.8 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मैं अर्न कर रही थी. अब 2005 में भी मैं यही प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ तो मुझे देखना है कि कितना
मुझे सेल्स कितनी मुझे करनी है, तो मेरे लिए डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हो गया 2.8 लाख। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितनी है 20%। फिक्स्ड कॉस्ट मेरी चेंज नहीं होगी, वो 14 के 14 लाख रुपए रहेगी। तो डिजायर्ड सेल्स विल बी दी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो डिजायर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 14 लाख रुपए की, डिजायर्ड प्रॉफिट है 2.8 लाख रुपीज़ का डिवाइडेड बाय दी पीवी रेशियो विच इज़ 20%। तो अब आपको ये जब कैलकुलेशंस करोगे तो कैलकुलेशन करके सेल्स का अमाउंट आ जाएगा 84 लाख रुपीज़ की। तो आपको सेम प्रॉफिट जो आपने 2004 में कमाया था 2.8 लाख रुपीज़ का, वो सेल्स 10% कम होने के बाद सेम अमाउंट कमाने के लिए आपको 84 लाख रुपीज़ की सेल्स करनी पड़ेंगी, तब आपको सेम प्रॉफिट मिलेगा 2.8 का जो आपने 2004 में भी सेम अमाउंट से आप जो आपने ऑन किया था। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है, अगर इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो आप। ओके अमित, आपने पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है। अंजलि आपका बेटा क्वेश्चन क्या चीज़ का है वो मुझे नहीं क्लियर हुआ। 72 आपने क्या चीज़ लिखी है, आई डोंट नो। ओके मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमित जो आपने पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, अगर आप नाम से भी देखोगे दो अगर हिस्सों में कर दूं, एक वर्ड है मार्जिन और एक है सेफ्टी। मैं कितने सेफ प्ले कर रही हूँ, कितना कितने सेफ जोन में हूँ, वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। कितना मार्जिन है, ठीक है, कितना सेफ जोन है मेरा। अब यहाँ सेफ जोन की जब हम बात करते हैं तो हम कंटेक्स्ट किसका ले रहे हैं, सेल्स का, कि मैं अगर सेल्स करती हूँ। देखो अब आपके पास एक पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहाँ पर आपकी सिचुएशन है जहाँ आप ना ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना ही लॉस इनकर कर रहे हो। मैं अगर मान लीजिए अजम्पशन लेती हूँ 1000 यूनिट्स का या 1000 रुपये की सेल्स का रुपीज़ में, अगर मैं बताऊँ या यूनिट्स के हिसाब से आप जैसे मर्जी समझ लीजिए, इफ़ आई जस्ट टेक 1000 यूनिट्स एज दी ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब क्या है, मैं अगर 1000 यूनिट्स मार्केट में बेच रही हूँ तो मुझे ना ही फायदा है ना ही मुझे नुकसान है, यही ब्रेक इवन पॉइंट होता है। मैं अगर 1000 यूनिट से नीचे यानी उससे कम अगर कोई भी यूनिट्स बेचती हूँ, मान लीजिए मैं 980 यूनिट्स बेच पा रही हूँ, तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। टिल 1000 रुपीज़ 1000 यूनिट्स सोल्ड इन द मार्केट, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग एज प्रॉफिट, कोई फायदा नहीं हो रहा मुझको ब्रेक इवन पॉइंट की वजह से, कि ब्रेक इवन पॉइंट 1000 यूनिट्स का है। उससे ज़्यादा मैं जितने भी यूनिट्स बेचूंगी उसके हिसाब से मुझे मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी। अब जब बिजनेस हम करते हैं तो बिजनेस में टारगेट क्या है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो हर कंपनी यही चाहती है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, सेल्स ज़्यादा करना। अब आपके जो प्रोडक्ट है मार्केट में, आप दो दोस्त हैं, आप इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा, या आप और मैं दो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, सेम प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सारी चीज़ें सेम है, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी 1000 यूनिट्स का है। तो 1000 यूनिट्स तक बेचने पे ना आप कुछ कमा रहे हो ना मैं कुछ कमा रही हूँ। अब किसी भी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं, आप का हार्डवर्क था, आपने एडवर्टीजमेंट अच्छी करी, आपकी किस्मत अच्छी थी, इट कैन बी एनी रीज़न, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, वट एवर द रीज़न इज़, आपकी जो मार्केट में प्रोडक्ट की सेल्स है, आप 15,000 यूनिट्स बेच पा रहे हो, ठीक है, मैं मार्केट में सिर्फ 10,000 यूनिट्स बेच पा रही हूँ। तो इतनी सी बात से आपके दिमाग में अगर मैं आपसे पूछूँ कि किसकी सिचुएशन बेटर है, तो आप खुद ही बता दोगे कि आपकी सिचुएशन बेटर है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा यूनिट्स को बेच पा रहे हो
सेल्स आप ज़्यादा कर पा रहे हो एज कम्पेयर टू द सेल्स आई एम हैविंग, 5,000 का डिफरेंस है, प्रॉफिट जितना भी है वो भी है, तो 1,000 यूनिट्स के बाद 15,000 अगर यूनिट्स आप बेच रहे हो तो 14,000 यूनिट्स पे आप भी पैसा कमा रहे हो, मैं 10,000 यूनिट्स बेच रही हूँ तो मैं सिर्फ 9,000 यूनिट्स पे पैसा कमा रही हूँ, प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। अब मान लीजिए पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई, मार्केट में सिनारियो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है और डिमांड कम होती जा रही है, उसका असर ज़्यादा किसको पड़ेगा? ज़्यादा टेंशन के हिसाब से असर दोनों को पड़ेगा, टेंशन किसको जल्दी होगी ये क्वेश्चन है। अब तो अगर मार्केट में डिक्रीज होनी शुरू हो गई सेल्स, मार्केट में डिमांड कम होनी शुरू हो गई, तो उसकी वजह से अब आप तो 15,000 यूनिट्स बेच रहे थे, मैं सिर्फ 10,000 यूनिट्स बेच रही थी, अब मान लीजिए उस पर 10% का डिक्रीज आ गया, तो आप 15,000 की जगह 10% कम बेचोगे, मैं 10,000 की जगह 10% कम बेचूंगी, तो जैसे जैसे जितना अब मैं इस लेवल पे थी, ब्रेक इवन पॉइंट मान लीजिए आपका, इसको कैसे समझाऊं, ओके कोशिश करती हूँ इसको इस तरह से समझाने के लिए, आपके अलग अलग यहाँ पे लेवल्स हैं, जैसे यू हैव डिफरेंट बेसिकली लेवल्स, ओके आई जस्ट ट्राई टू, यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से अब ऐसे लेवल्स की बात करूँ, एक लेवल है मतलब मान लीजिए क्वान्टिटीज़ हैं, ठीक है, क्वान्टिटी को मैं अगर वाई एक्सिस पे दिखा रही हूँ, आपने एक लेवल सेट किया ब्रेक इवन पॉइंट का, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन थी, और ये मेरा जो यूनिट्स थी वो थी 1,000 यूनिट्स, इससे नीचे अगर मैं चली जाऊँगी तो मुझे नुकसान है। अभी आप कहाँ पर थे, आप मान लीजिए मिस्टर ए आप इस लेवल पे थे जहाँ आप 15,000 यूनिट्स को बेच रहे हो, और मैं कहाँ पर हूँ 10,000 यूनिट्स पे। अब नाउ देर इज़ अ डिक्रीज, डाउनफॉल आया, तो डाउनफॉल जब आएगा तो आप तो मेरे से 5,000 यूनिट्स ज़्यादा बेच रहे हो, तो आपको मेरे लेवल तक आते आते भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी कम कमा रहा है, तो मुझे जब ये वाला जो पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट से जितना आप हायर हो इतना उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट है, जितना आप ब्रेक इवन पॉइंट के नज़दीक हो उतना ही आपका प्रॉफिट कम होता है। अब उसे होगा क्या कि जितनी जब किसी भी वजह से, किसी भी फैक्टर के रीज़न की वजह से सेल्स कम होनी शुरू हो गई, मार्केट में डिमांड होनी कम शुरू हो गई, तो 15,000 वाला जब आपका जो अमाउंट आया, आप 15,000 से 14,000 पे आए, 12,500 पे आए, 10,000 पे आए, तब भी आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो, आपके पास मार्जिन है कि यार 1,000 और 15,000 में जो गैप है वो कितना है, 14,000 यूनिट्स का, तो अगर 15-20% का कम हो भी गया मान लीजिए सेल्स का अमाउंट, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपके पास जो मार्जिन है, जो गैप है, वो कंपैरेटिवली मेरे वाले गैप से ज़्यादा है। मेरा गैप कितना था, सिर्फ 9,000 का, आपका गैप है 14,000 का, तो 5,000 का डिफरेंस आपके पास एडिशनल है, तो आपको टेंशन कंपैरेटिवली कम होगी एज कम्पेयर टू द टेंशन जो मुझे होगी, क्योंकि मेरे लिए जो गैप है, अगर वो उसमें गैप धीरे 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 कम होता जा रहा है, तो मुझे टेंशन आपके हिसाब से आपके कंपैरिजन में जल्दी होगी। यही आपका कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बेसिकली व्हाट वी डू इज वी कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल सेल्स विद द ब्रेक इवन सेल्स, तो जितना गैप ज़्यादा है, अब एक्चुअल सेल्स आपकी 15 थी, तो आपके पास जो मार्जिन था अगर कम हो भी रहा है तो 14,000 में से कम हो रहा है, मेरा ऑलरेडी 9,000 है, आपसे कम है, तो 9,000 से और कम हो के 4,000-3,000 ऐसे रह जाएगा, तो मेरा तो दिमाग घूम जाएगा कि मेरे को तो अब मैं तो नुकसान की तरफ जाने लग जाऊंगी जल्दी से, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि मेरी सेल्स बढ़ें, कम ना हो। आप कंपैरेटिवली फिर भी टेंशन शायद कम लोगे,
तो ब्रेक इवन पॉइंट से अगर मैं एक्चुअल सेल्स को कंपेयर करती हूँ, दैट इज बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि कोई भी गिवन सिचुएशन में आज कितना स्टेबल है, कितना सेफ है, और अगर किसी भी रीजन से मार्केट में डिमांड कम हो जाती है तो वो कितना सेफ जोन में है। तो जितना गैप ज्यादा होगा उतना ही उसके लिए टेंशन कम होगी। जितना गैप ही ऑलरेडी कम है तो उसमें अगर चेंजेस होने शुरू हो गए तो जाहिर बात है टेंशन कंपैरेटिवली जल्दी होगी। उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एफर्ट एक्स्ट्रा जल्दी मारना पड़ेगा कि नहीं भाई अब सेल्स कम होती जा रही है, मुझे नुकसान वाले लेवल पे मैं पहुंच जाऊंगी जल्दी से। तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आप कितने सेफ जोन में हो। तो उसके लिए हम एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स को कंपेयर करके देखते हैं कि लार्ज गैप, मोर गैप यू हैव, बेटर द सिचुएशन इज। ओके अंजलि, ये 72 वाला ये मैं नहीं करा रही हूँ, उसको आप छोड़ दो, वो आपको नहीं अभी करना है, वो कुछ अलग से कोई कैलकुलेशंस की होंगी कहीं समझाने में। ओके दैट मींस ब्रेक इवन पॉइंट से अबव सेल्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अमित, नाउ यू आर राइट कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर वाला जितना भी लेवल है सेल्स के साथ में, तो सेल्स और ब्रेक इवन का जो गैप है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वो गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप सेफ जोन में हो, जितना गैप कम होता चला जाएगा उतने ही आप अनसेफ अपने आप को महसूस करोगे, यार अब तो बहुत थोड़ा सा मार्जिन रह गया। जैसे आप प्रॉफिट के हिसाब से अगर एक्चुअली मैं बात करूं, आपने एक मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट को 10 रुपये पे, एक्चुअली 10 रुपये पे आपने बनाया, मार्केट में आज उसको बेच रहे हो आप 1,000 रुपये में, तो आपके पास 990 रुपये का मार्जिन है। वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है एक तरीके से, कि अगर मान लीजिए मार्केट में किसी वजह से डिमांड कम हो गई या किसी और वजह से आपको मार्केट में प्राइस कम करना भी पड़ गया तो आप कितना कम कर दोगे, डिस्काउंट भी अगर दे दोगे। मान लो मैं अगर आपके पास आ गई, मैंने कहा आप 1,000 रुपये में बेच रहे हो, मैंने कहा भैया मुझे तो 1,000 रुपये में नहीं चाहिए, मैंने आपसे बार्गेनिंग करी, नेगोशिएट किया, आपने एहसान करके 950 रुपये में कर दिया, मैं खुश हो गई, मेरे 50 रुपये बच गए। उसके बावजूद अगर आप जानते हो आपने तो 10 रुपये की चीज़ 1,000 रुपये में बेच रहे थे ना, वो 950 में बेची, उसके बावजूद भी यू आर अर्निंग 940 रुपीज़। अब अगर कोई एक मैन्युफैक्चरर 10 रुपये की चीज़ पहले ही सिर्फ 20 रुपये में बेच रहा है और उसने मुझे 5 रुपये का मार्जिन जो डिस्काउंट है वो दे दिया, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। ठीक है, यही सेम चीज़ सेल्स के हिसाब से है कि सेल्स में एक्चुअल सेल्स को ब्रेक इवन पॉइंट से जितना हायर आप कर दोगे, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस के लिए आप उतने ही सेफ जोन में हो। ओके 80 लाख का पोर्शन अगेन, ये क्या T-Lac वाला क्वेश्चन क्या है आपका? ओके इस वाले क्वेश्चन में देखो, आप लोगों के पास 2004 वाली जो सेल्स थी वो हमें दी हुई थी 60 लाख रुपए की, और हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था थर्ड पार्ट कि इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस बाय 10%, तो कंपनी सेम प्रॉफिट अर्न करना चाहती थी। अब हम इसको कैसे कैलकुलेशंस करके देखेंगे, जो आपका 80% जो 80 लाख वाला था प्री कास्ट वाला, ओके डिटरमिन द प्रॉफिट ऑन अ प्री कास्ट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 80 लाख रुपीज, आप ये वाला पूछ रहे थे। एक तो 2004 में जो मेरी सेल्स की वो 60 लाख रुपए की थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा जो कैलकुलेट करके आया था वो 16.8 लाख के हिसाब से था, क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मेरी 28% हम लोगों ने पहले कैलकुलेट की थी, और प्रॉफिट मेरा जो 2004 में आया वो 2.8 लाख रुपीज़ का था। अब 80 लाख रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं सेल्स कर रही हूँ तो मुझे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, जिसमें मैंने ये अज्यूम किया है कि जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है वो चेंजेस नहीं है, तो सेलिंग प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। पहले टोटल सेल्स थी 60 लाख रुपए की, 10% की उसमें हो गई रिडक्शन, 10% की रिडक्शन का मतलब हो गया वो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, 60 लाख से माइनस 10% करके 54
4 लाख रुपीज़ का, तो सेल्स का अमाउंट तो आपका ये आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट के लिए जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, ये मैंने कैलकुलेशंस करके आपको दिखाई हुई है, 82 का ये जो है इट्स बेसिकली इसको ऐसे समझा दूं जो आपने अंजलि पूछा था इससे, अगर आप दो दूसरा एक और तरीका बता देती हूँ अगर आप लोगों को समझ में आता है तो दोनों तरीके। पहली चीज़, 60 लाख रुपए का सेल्स का अमाउंट था तो 10% सेल्स में रिडक्शन किया, तो टोटल सेल्स की जो फिगर आई वो मेरे पास नई वाली आएगी 2005 की 54 लाख रुपीज़ की। यहाँ पर जो मेरी सेल्स वॉल्यूम है, जो सेकेंड पार्ट मुझे क्वेश्चन का दे रहा है, वो क्या दे रहा था, 80 लाख रुपीज़ की सेल्स मैं कर रही हूँ। वेयर आई एम अज्यूमिंग कि मेरा यूनिट्स मेरी सेम है, सेलिंग प्राइस में चेंजेस हैं। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस के हिसाब से चेंजेस करके देखूं, तो 80 लाख रुपीज़ की अगर सेल्स कर रही थी तो उसमें मैंने सेल्स के हिसाब से मैंने 72 का कैलकुलेशंस किया, 10% रिडक्शन करके, कि अगर 10% रिडक्शन है तो क्या चीज़ थी। अब सेल्स में 60 लाख का 10% मैंने डिडक्ट किया, तो आई गॉट योर सेल्स एज 54 लाख रुपीज़। इसके बाद जो हमारा वो ये दिया हुआ था पीवी रेशो वॉज 28%। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के हिसाब से, अब जो इसमें यहाँ लिख देती हूँ मैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये जो हमारा पूरा फॉर्मेट था उसका फर्स्ट हाफ था, इसके बेसिस पर हम लोग पीवी रेशो कैलकुलेट कर रहे थे। पीवी रेशो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन 200 डिवाइडेड बाय सेल्स। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला था। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मेरे कितनी थी, 28%। 28% का मतलब हो गया इसका 8%, ट्वेंटी 8% वो स्पीड बहुत क्या हुआ है, पीवी रेशो वॉज 28%। पीवी रेशो अगर 28% होती है तो इसमें दूसरी एक और रेशो होती है विच इज वेरिएबल कॉस्ट एज कम्पेयर टू दी सेल्स। तो वीसी रेशो अगर आप पढ़ोगे इसको, तो इट्स बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट रेशो एज कम्पेयर टू दी सेल्स। यहाँ पर जो ये हमारा ये वाले जो टोटल ये है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, हम जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वी यूज़ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वेयर वी कंपेयर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एज कम्पेयर टू दी सेल्स और उसका परसेंटेज निकाल देते हैं। तो टोटल हमारी परसेंटेज होती है 100%। 100% टोटल कैपेसिटी, 100% टोटल जो रेशो होती है उसमें से अगर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन की मैं देख रही हूँ इन कंपेरिजन विथ सेल्स, तो वो 28% है। इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग है, बाकी रिमेनिंग कितना हो गया, 72%। अब 72% अगर है तो 72% का मतलब हो गया कि वो किसके लिए है, वो वेरिएबल कॉस्ट के लिए है। सेल्स का 28%, वट एवर द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज, टोटल सेल्स का जो 28% है वो मेरे लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और सेल्स का जो अमाउंट है वो मेरे उसका 72% इज दी परसेंटेज और द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे, इट विल बी 72 के हिसाब से इसका 80% क्यों निकाला था ये मैंने, सेवन टू इक्वल
क्वेश्चन में था, डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस ऑन प्रीकास्ट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 80 लाख रुपीज. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट सॉल्व दिस. वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी, आप मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में फिर समझा देती हूँ उसको दोबारा. क्वेश्चन ये था कि जो हमारी सेल्स है, प्रीकास्ट सेल्स वॉल्यूम, वो हमारी 80 लाख रुपए की है और उसके हिसाब से हम लोगों को नया प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशंस करना है. दूसरा, तीसरा पार्ट जो ये था कि सेलिंग प्राइस में रिडक्शन हो रहा है 10% के हिसाब से 2005 में और कंपनी सेम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है. अब पहला पार्ट ये था कि हमारी 80 लाख रुपए की अगर सेल्स हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, जिसमें हमने ये अज्यूम किया कि यूनिट्स जो होंगी, यूनिट्स चेंज हम नहीं करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो देयर विल बी चेंज इन द सेलिंग प्राइस. ठीक है, अब यहाँ पर मैं कंपेयर किससे कर रही हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो थी 2004 वाली, 2004 वाली इन्फॉर्मेशन और 2003 की जो डिफरेंस था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के हिसाब से. अब नई जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, जो प्रॉफिट मेरा 2004 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन आया था दैट वो 16.8 लाख रुपीज़ और प्रॉफिट मेरा आया था 2.8 लाख रुपीज़ का. एक ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे यूज़ करनी है सेम प्रॉफिट के लिए. थर्ड पॉइंट के लिए, 80 लाख रुपए की सेल्स के लिए मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. सेल्स मुझे चाहिए, उसके अलावा में जो अमाउंट उसका वेरिएबल कॉस्ट मुझे चाहिए सो दैट आई कैन कैलकुलेट दी कंट्रीब्यूशन मार्जिन. 80 लाख रुपए की अगर मैं सेल्स कर रही हूँ, अज्यूमिंग दैट देर इज़ नो चेंज इन द यूनिट्स, तो टोटल जो मेरा अमाउंट आएगा दैट विल बी जो पहले थी 60 लाख रुपीज़ के हिसाब से टेन परसेंट रिडक्शन के हिसाब से 60 लाख के हिसाब से आ गया 5,40,000 रुपीज़ का. अब इसका मैं प्रोपोर्शन अगर कैलकुलेट कर रही हूँ
तो 54 लाख रुपीस को मैंने 60 लाख के से कंपेयर अगर कर रही हूँ, तो 54 लाख डिवाइडेड बाय 60 × 80, मैं उसको कंपेयर करके लेके जा रही हूँ 80 के हिसाब से, तो टोटल मेरे पास आ जाता है 72 रुपीस, जिसमें मैं 80% कैलकुलेशंस कर रही हूँ 80 के हिसाब से, 80 लाख के हिसाब से। कैलकुलेशन में कैलकुलेटर पे करके आपको बता रही हूँ। ओके, आई थिंक इसमें ना कुछ एरर दे दिया है मैंने कैलकुलेशन में, ये मैं क्वेश्चन दोबारा करा देती हूँ, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन कहीं कुछ कराई होंगी मैंने तो वो गड़बड़ कर दी है। एक सेकेंड। फर्स्ट पार्ट आई होप कि आपको क्लियर था। सेकेंड पार्ट में बेसिकली जो हमें करना था, दैट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 80,000 रुपीज़, उसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जब हमारी 80 लाख रुपए की सेल्स है तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना था, पीवी रेशो मेरी थी 28% की। जस्ट आई एम जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन, उसमें कहीं when the sales is 80 lakh rupees pv ratio was 28%, so pv ratio ke hisab se I can easily calculate the contribution margin. Contribution margin jo mera aayega, that will be at a level of 28% of the sales. हम लोगों ने 28% अभी कैलकुलेट किया था पीवी रेशो को, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 80 लाख रुपीस इनटू 28%, दैट विल गिव यू 22,40,000 रुपीस एज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन केस द सेल्स इज 80 लाख रुपीस। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे दी हुई थी, तो यहाँ से मैं अगर लेस फिक्स्ड कॉस्ट कर दूँ 14 लाख रुपये की, आई विल बी गेटिंग दी प्रॉफिट। तो मेरे को लग रहा है मैंने कोई और समझाया होगा क्लास में, तो उसमें शायद थोड़ी एरर रह गया है उसमें, आई थिंक 8,40,000 का। तो न्यू प्रॉफिट एट द सेल्स लेवल ऑफ 80,000 यू विल बी गेटिंग एज 8,40,000 रुपीज। तो दिस विल बी द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट व्हेन यू हैव the sales of 80 lakh rupees, 80 lakh रुपये का ये portion रह गया आपका calculate करना। 80 lakh rupees की अगर sales होंगी तो contribution margin, PV ratio मेरा same है,
पीवी रेशो मेरी 28% थी, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आ जाएगा 28% ऑफ सेल्स के हिसाब से 22,40,000 रुपीज़ का। फिक्स्ड कॉस्ट वॉज गिवन टू मी एज 14 लाख रुपीज़, तो प्रॉफिट मेरे पास एट द लेवल ऑफ सेल्स ऑफ 80 लाख रुपीज़, द प्रॉफिट विल बी 8,40,000 रुपीज़। नाउ दिस विल बी द आंसर फॉर योर सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें ये कहा गया था कि इफ़ देर इज़ अ रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस बाय 10% इन 2018 एंड द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट एज इन 2017 वॉज सपोज टू बी यू नो अर्न, वट वुड बी द रिक्वायर्ड ऑफ वट वुड बी द सेल्स लेवल। इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब सेलिंग प्राइस मेरा कम हुआ, थर्ड केस है केस थ्री व्हेन सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो सेल्स जो मेरी है सेल्स अब कितनी हो जाएगी। अब मैं इस 80 लाख रुपए के हिसाब से अगर चल रही हूँ, 80 लाख रुपए का 10% मेरे पास जो 10% के हिसाब से अगर रिडक्शन होती है, तो न्यू सेल्स विल बी 80 लाख रुपीज़ माइनस 10 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम एक कंपेरिजन कर रहे हैं पुराने वाले और नए वाले। एक मेरे पास सेल्स का लेवल था 60 लाख रुपए वाला, एक मेरे पास लेवल है 80 लाख रुपए वाला। तो आई एम स्टार्टिंग इट विद द लेवल ऑफ 80,000 रुपीज़। इन केस दी सेल्स गेट्स रिड्यूस्ड बाय 10%, तो मेरे पास 2000 इससे पहले जो मेरा 80 लाख रुपए वाला था, 80 लाख के हिसाब से 10% के हिसाब से इट विल बी 72 लाख रुपीज़ की मेरे पास नई सेल्स आएंगी। अब जो नई सेल्स आएंगी, नई सेल्स के हिसाब से जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जो हम लोगों का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर्ड टू द सेल्स। तो टोटल हमारा जो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसका हम सेल्स के हिसाब से परसेंटेज देख रहे हैं कि सेल्स के कंपेरिजन में जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका कितना परसेंटेज है और बाकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कितना है। तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली पीवी रेशो, टोटल 100% होना चाहिए। तो जो रिमेनिंग होता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज होती है एज कम्पेयर टू दी सेल्स। तो इन केस दी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज 28%, तो बाकी जो बचा 72%, वो किसका बचा, वो 72% बचा वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एज कम्पेयर टू दी सेल्स। नाउ दी न्यू सेल्स इज 72 लाख रुपीज़, इसमें से मुझे लेस करना था वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज 72% ऑफ सेल्स। ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, क्यों, क्योंकि 28% मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन था। तो 72% ऑफ 80,000 will be my variable cost, so it will give me 70%, it will give me 57 lakh rupees, 57 lakh 60,000 rupees। ये मेरा यहाँ से जो amount आएगा that will give me the new contribution। अब यहाँ पे आपको एक जो चीज़ एक ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि सेल्स में मैंने कमी की है, सेल्स मेरी 80 लाख से मैं 72 लाख पे लेकर आई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा प्रॉफिट सेम रहना है और जो यूनिट्स हैं यूनिट्स मेरी सेम मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो यूनिट सेम मैन्युफैक्चर होने की वजह से 72% ऑफ 80 लाख रुपीज़ ही मैंने लिया है। यहाँ 72 लाख का आपको 72% नहीं लेना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की जो परसेंटेज थी दैट विल बी सेम, बट द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड या नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इज सेम, तो उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट मेरी 80 लाख के हिसाब से जो थी वो ही यहाँ रहेगी। तो 72 लाख रुपीज़ ऑफ 80 लाख, 72% ऑफ 80 लाख रुपीज़ विल बी द न्यू वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द सेल्स इज 72 लाख रुपीज़, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमने माना है कि चेंज हुआ है, तो प्रोडक्शन उतनी ही है तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी उतनी ही रहेगी। तो नया जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आएगा दैट विल बी 72 लाख रुपीज़ माइनस 57 लाख 60,000 रुपीज़, यानी 14 लाख 40,000 रुपीज़ का मेरे पास नया
कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। अब इस नए कंट्रीब्यूशन मार्जिन के हिसाब से आई विल कैलकुलेट द न्यू पीवी रेशो, क्योंकि अब जो मेरी पीवी रेशो आएगी वो मेरी चेंज हो जाएगी। तो न्यू पीवी रेशो विल बी इक्वल्स टू द कंट्रीब्यूशन मार्जिन 14,40,000 इन 200 डिवाइडेड बाय 72 लाख रुपीज़, विच इज़ द न्यू अमाउंट ऑफ सेल्स, इट कम्स आउट टू बी 20%। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अब नई पी वी रेशो मेरे पास आई, प्रॉफिट, अब मुझे यहाँ पे ये देखना था कि जो प्रॉफिट मेरे पास 2017 में था वो मुझे सेम चाहिए था, वो मेरा कैलकुलेट करके कितना आया था, 2,80,000, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, ये मुझे अर्न करना था। नई पी वी रेशो मुझे पता है 20% है, 14 लाख रुपये की फिक्स्ड कॉस्ट थी ये भी मुझे मालूम था। तो नया जो बी ई पी आएगा या जो सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, सेल्स आएगी, सेल्स एट डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, इट विल बी इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट थी 14 लाख रुपए की, लेवल ऑफ प्रॉफिट 2,80,000 रुपीज का, डिवाइडेड बाय पी वी रेशो विच इज 20%, That comes out to be 84 लाख रुपीस। यानी मैं अगर 84 लाख रुपीस की सेल्स करती हूँ 2018 में, जब सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस मेरा 10% से कम हो गया है, तब मुझे 84 लाख रुपीस की सेल्स करनी पड़ेंगी इंस्टेड ऑफ 80 लाख रुपीस टू अर्न द सेम प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 रुपीस विच वॉज अर्न ड्यूरिंग 2017। दिस इज़ हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। ये आई थिंक मैंने क्लास में कहीं समझाने के लिए किसी को बताया होगा कुछ चेंजेस करके, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ कि मैंने क्या चेंजेस किए थे। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर योर थर्ड पार्ट, वेयर द सेलिंग प्राइस गेट्स रिड्यूस्ड बाय 10%। तो यू हैव टू अज्यूम दैट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज सेम, और सिर्फ सेलिंग प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेम रहेगी जो पहले थी, इसीलिए 72 लाख का सेलिंग प्राइस के हिसाब से आपको नहीं कैलकुलेशंस करना है वेरिएबल कॉस्ट का, सेम आपकी वेरिएबल कॉस्ट पहले वाली ही रहेगी इंटैक्ट 80 लाख पे जो थी, विच वॉज 72% ऑफ 80 लाख रुपीज़, और आपको आगे फिर कैलकुलेशंस इस तरह से करनी है। आई होप कि अब आपको क्लियर है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और है अलग तरीके का, जिसमें हमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, where the company the annual sales at 100% capacity, effective capacity, हमें sales के figure दिए हुए थे, बारह लाख रुपये की, उसके अलावा में जो हमें information दी हुई है, this is the last question I'm discussing today, rest we'll continue in our next class. Fixed overheads diye hue hain 4 lakh rupaye ke, total variable cost di hui hai 6 lakh rupaye ki, and it is proposed to increase the capacity by the acquisition of 30% additional space and plant. Abhi jo annual sales hai 100% capacity pe wo 12 lakh ki hai, ab company additional space le rahi hai, additional plant le rahi hai 30% capacity increase karke, and it will result in the increase of fixed overheads by 1 lakh rupees per annum. Abhi 100% ke hisab se agar main dekh rahi hu to fixed overheads hame diye hue hain 4 lakh ke. Ab capacity agar increase kar rahi hai by having additional space and plant, to fixed cost hamari 1 lakh rupees se badh jayegi, to nayi jo fixed cost aayegi wo 4 lakh ki bajaye ab ho jayegi 5 lakh rupees.
इसके बाद में क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव टू प्लॉट द फॉलोइंग फिगर्स ऑन अ सिंगल ब्रेक इवन चार्ट एंड डिटरमिन फ्रॉम द चार्ट एट व्हाट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन द सेम प्रॉफिट एज बिफोर वुड बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एक्सटेंशन हैव बीन मेड. अब हमें ये देखना है कि हमें कितनी नए यूनिट्स को हमें मैन्युफैक्चर करना है जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट. तो हम सेम प्रॉफिट अगर अर्न करने के लिए हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड. अब ये आप अगर इसको कैलकुलेशंस अगर हम करें तो कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ था. 100% इफेक्टिव कैपेसिटी पे हमें सेल्स दी हुई थी 12 लाख रुपए की. वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई थी 6 लाख रुपए की. फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी हुई थी 4 लाख रुपए की. तो यहाँ से हम कैलकुलेशंस कर सकते थे इजीली प्रॉफिट का. प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 12 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख. कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 6 लाख रुपए का टू विच वी विल चार्ज फिक्स्ड ओवरहेड्स एट अ रेट ऑफ 4 लाख रुपीस. तो टोटल प्रॉफिट विच वी विल बी गेटिंग इज 2 लाख रुपीस का. प्रॉफिट आ गया मेरे पास. कंट्रीब्यूशन मार्जिन है. पीवी रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 तो 6 लाख रुपीस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख रुपीस तो मेरे पास 50% परसेंटेज आएगी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की. अब इसके हिसाब से अब आगे मेरे पास क्या था कि कैपेसिटी में बढ़ा रही हूँ 30% कैपेसिटी के हिसाब से. अब नई जो फिक्स्ड कॉस्ट थी, फिक्स्ड कॉस्ट पहले 4 लाख रुपए की थी. मैं जब कैपेसिटी बढ़ाऊंगी तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 1 लाख रुपए से और बढ़ जाएगी. तो टोटल नई फिक्स्ड कॉस्ट जो मेरे पास आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 5 लाख रुपए की. और मैं सेम प्रॉफिट अर्न करना चाहती हूँ जो मैंने पहले अर्न किया था. यानी पहले हम लोग 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे. अभी भी हम 2 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. तो नई फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास है 5 लाख रुपए की. प्रॉफिट मेरे पास मुझे मालूम था कि मुझे प्रॉफिट जो अर्न करना है वो 2 लाख रुपए का अर्न करना है. तो डिज़ायर्ड सेल्स मुझे कैलकुलेट करनी है. डिज़ायर्ड सेल्स जब कैलकुलेट करूँगी तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा. फिक्स्ड कॉस्ट जो नई वाली है 5 लाख रुपए प्लस डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो हमने कैलकुलेट की थी अभी 50% के हिसाब से. तो डिज़ायर्ड सेल्स जो मेरे पास आएंगी ब्रेक इवन कैपेसिटी जो मेरे पास आएगी एट अ गिवन डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीस दैट कम्स आउट टू बी 14 लाख रुपीस. मैं अगर 12 की बजाय 14 लाख रुपए की सेल्स करूंगी तो मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा. अब इसके लिए मुझे क्या और कैलकुलेट करना था कि कितनी कैपेसिटी मुझे यूटिलाइज करनी है. अभी 100% की बजाय अगर मैं कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखूंगी जो मुझे सेम प्रॉफिट मिलेगा. तो अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए जो डिज़ायर्ड सेल्स थी वो कितनी है 14 लाख. एक्चुअली अभी 100% के हिसाब से कितनी थी 12 लाख. तो 12 लाख अगर 100% पे थी तो 14 लाख के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100 अगर मैं करूँ तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर देखूँ तो इट इंस्टेड ऑफ 100% इट शुड हैव बीन 116.67. तो राउंड ऑफ कर दूँ तो 117% कैपेसिटी का मैं यूटिलाइज करूँ तो मुझे मेरी उतनी सेल्स मेरी 16 लाख रुपए की 14 लाख रुपए की सेल्स होती इंस्टेड ऑफ 12 लाख. तो मैं सेम कैपेसिटी अगर सेम प्लांट की कैपेसिटी पे देखती तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मेरी जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी इट शुड हैव बीन 116.67% ऑफ द कैपेसिटी विच शुड हैव बीन यूटिलाइज. तो अब मुझे कितना इंक्रीज करना है वो चीज़ मुझे देखने की एक्सटेंशन कितनी करनी है उसमें. अब जो नई कैपेसिटी होगी नई कैपेसिटी के हिसाब से व्हाट आई हैव टू डू इज ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से जो कैपेसिटी के हिसाब से देख रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट थी मेरी 5 लाख रुपए. 5 लाख रुपए पे डिज़ायर्ड प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का. और जो कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन कितना था 6 लाख रुपए का. तो आप कैपेसिटी के हिसाब से अगर मैं देख रही हूँ तो ये मेरे लिए आया जो 116.67% का. ये मेरी जब एक्सपेंशन की हम बात करते हैं कि अब नई कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए एक्सपेंशन जो मैं कर रही हूँ एक्सटेंशन अगर लेकर आ रही हूँ तो वो एडिशनल स्पेस या एडिशनल प्लांट जो ले रही हूँ वो उसमें मुझे कितने चेंजेस करने पड़ेंगे. तो मुझे ये देखना है कि जो मेरी अभी 100% कैपेसिटी थी उसमें चेंज कितना हुआ
116.67 पे चला गया। अब 100% की बजाय इंक्रीज कितना दिखा रहा है, एडिशनल जो दिखा रहा है वो 16.67 है। नई कैपेसिटी कितनी होगी, पहले 100% पर मैं अगर 12 लाख की सेल्स कर पा रही थी, एडिशनल स्पेस में अगर ले रही हूँ 30% का, तो मेरे पास कितना आता, फिर वो 130 का आ जाता। उसके हिसाब से मैं अगर देखूंगी तो जो मेरी नई कैपेसिटी के हिसाब से सेल्स आएंगी, वो सेल्स कितनी आएंगी, 15,60,000 की। इफ़ आई इंक्रीज द कैपेसिटी फ्रॉम 100% जो मेरी थी 12 लाख पे, मैं 12 लाख की सेल्स कर रही थी, मैं 30% उसमें एडिशनल स्पेस लेकर आ रही हूँ, उसकी वजह से जो इंक्रीज आएगा, जो नई कैपेसिटी हो जाएगी मेरे प्लांट की, तो इफ़ इट इज़ 12 लाख एट 100%, तो अब 130 अगर मैंने कर दिया तो उसके हिसाब से कितनी आएगी, इट विल बी 1,15,60,000 रुपीज़ की मेरी नई कैपेसिटी आ जाएगी जो मैं सेल्स कर पाऊंगी। फिर हैंग कर गया ये। और मुझे चाहिए कितनी, सिर्फ 14 लाख, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से, सेम प्रॉफिट के हिसाब से। तो आई जस्ट वॉन्ट 14 लाख ऑफ सेल्स। पुरानी कैपेसिटी के हिसाब से 12 लाख कमा रही थी, नई कैपेसिटी के हिसाब से 15,60,000 कमा रही हूँ, मुझे चाहिए कितनी, सिर्फ 14 लाख। तो मुझे एक्चुअली में टोटल 116.67 की बजाय अपनी रिक्वायरमेंट जो मेरी है वो मेरी सिर्फ 14 लाख की है, इंस्टेड ऑफ 15,60,000 रुपीज़ की। तो मैं उसको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करके देखूंगी कि 14 लाख के लिए मुझे कितना चाहिए। तो एक्सपेंशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इट वुड बी, ओके, आई जस्ट नीड 14 लाख एज द डिजायर्ड सेल्स। टोटल कैपेसिटी यूटिलाइज इज 116.67। नाउ द न्यू कैपेसिटी इज 15,60,000 रुपीज़ की मैं सेल्स कर पाऊंगी, अगर नई कैपेसिटी को पूरा मैं यूज़ कर रही हूँ तो। कैपेसिटी यूटिलाइज जब कर रही हूँ यूजिंग द एडिशनल स्पेस, इट विल गिव मी द डिज़ायर्ड सेल्स 14 लाख डिवाइडेड बाय, मुझे चाहिए, मेरे पास आ कितनी रही है नई कैपेसिटी पे, टोटल में 15,60,000 की, और मुझे चाहिए कितनी, सिर्फ 14 लाख की, इन 200 कर दूंगी, दैट विल गिव मी 89.75% कैपेसिटी। इसका मतलब जो एडिशनल है, जो मैं टोटल कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं अगर 100% कैपेसिटी मेरी नई वाली जो है वो मेरी 15,60,000 की है, उसका 89.75% कैपेसिटी आई विल बी यूटिलाइजिंग जस्ट टू हैव द सेम प्रॉफिट, वट एवर द प्रॉफिट आई वॉज अर्निंग एट द 100% लेवल ऑफ कैपेसिटी व्हेन आई वॉज सेलिंग 12 लाख रुपीज़ ऑफ सेल्स आई वॉज हैविंग। तो उसमें प्रॉफिट मेरा 12 लाख की सेल्स पे 2 लाख का प्रॉफिट था। अगर मैं कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही हूँ तो आई एम एबल टू मैन्युफैक्चर एंड आई एम एबल टू सेल 15,60,000 ऑफ सेल्स, आई विल बी एबल टू हैव सेल्स ऑफ 15,60,000। मुझे सिर्फ प्रॉफिट 2 लाख का कमाना है, तो इसका मतलब 89.75% की कैपेसिटी अगर मैं यूटिलाइज करूँगी, 14 लाख की अगर सेल्स करूँगी, तो फिर आई विल बी एबल टू हैव द सेम प्रॉफिट आई वॉज अर्निंग अर्लियर। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। रेस्ट विल डू इन आर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आई थिंक इज ऑन फ्राइडे सेम टाइम। विल स्टार्ट विद न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड आई थिंक दैट इज योर लास्ट क्लास। सो इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन आस्क मी ऑन 15। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।